बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय फ्री वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस इज वेब डेवलपमेंट सेशन। दिस इज मेनली इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज, बट यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज। सो फर्दर सेशन विल बी इन उर्दू और हिंदी लैंग्वेज। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेब डेवलपमेंट सेशन में खुश आमदीद। ये सेशन हमारा वेब डेवलपमेंट के हवाले से होता है और इसमें हमारा एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं। इसमें हम एक W3 स्कूल पर एक कोर्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आंसर्स हों तो वो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। सो अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें, जनरली कुछ कुछ भी सवाल हो, वेब डेवलपमेंट के हवाले से हो, आईटी के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से आपके पास सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो हसीब साहब, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? अगर कंफर्म मुझे कर दें। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है हसीब साहब तो मुझे बताएं कि स्क्रीन ठीक तरह से शेयर हो रही है, आपको सही तरह से नज़र आ रही है? जी, अच्छा, सही है, जज़ाकअल्लाह। तो इसमें हमारी, जिस तरह के मैं बता रहा हूँ, कि पहली प्रायोरिटी यही होती है, तरजीह होती है कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उसको लेके चलते हैं। तो अगर ऐसी बात ना हो तो फिर हम एक ये कोर्स W3 स्कूल से फॉलो हम कर रहे हैं। तो फिर ये कि अगर कोई सवाल नहीं होता तो हम फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह हम ये पहले से ये करते हुए कोर्स करते हुए आ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जो HTML भी हमने स्टार्ट की थी, फिर आगे हमारा इरादा है CSS करने का, फिर JavaScript और फिर PHP, और उसके बाद बाकी मज़ीद चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो इसमें हम ये HTML के ये पहले लेसन चैप्टर से ले के ट्यूटोरियल से ये हम करते करते यहाँ तक, लास्ट टाइम हमने ये ग्राफिक्स वाला सेक्शन हमने कर लिया था। तो अगर तो सवाल पूछा जाएगा तो हम इसमें ये जो हम ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं इसको हम रोक देंगे, और जो सवाल है वो हमारी पहली तरजीह है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और फिर इसमें ये होता है कि जब ये सेशन मुकम्मल होता है, जो कि तकरीबन 2 घंटों का है, तो फिर हम ये वीडियो यूट्यूब पर, अपना जो चैनल है इस पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो अगर तो आप हमारे इसमें पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये हमारा फ्री वेब डेवलपमेंट के सेशंस की पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसको देख के आप हमारा ये फॉलो कर सकते हैं। तो अजीब साहब, कोई सवाल है तो आप बिल्कुल बिला झिझक किसी वक्त भी मेरी बात को रोक के सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना ये है कि फिर हम इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे हम आगे शुरू करते हैं, जो कि मीडिया के हवाले से आ रहे हैं। तो इसके बाद तकरीबन ये फिर APIs का एक सेक्शन है, ये हम करेंगे। इसमें ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के हवाले से चीज़ें हैं,
तो यहाँ पे हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि बस हम ये गो थ्रू कर एपीआई लें। बारे में बताएं, व्हाट इज एपीआई? APIs ऐसे होता है कि इसके एब्रिविएशन तो ये है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इनका मकसद ये होता है कि कोई भी कंपनी या सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उससे कोई रीड करने के लिए डाटा, कोई राइट करने के लिए APIs आपको फंक्शंस की लिस्ट दी जाती है। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप उस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई एक कंपनी है फेसबुक, तो फेसबुक अपनी APIs जब ओपन करती है तो आप उनकी साइट पे जाके अपने डेवलपर आईडी बनाते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं उसमें, फिर पिन या उसमें की जनरेट की जाती है, या लेटेस्ट और भी ऑथ टू एक है उस मेथड को भी इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल जो भी मेथड इस्तेमाल किया जाए तो बेसिक चीज़ ये कि आपको वो एथेंटिकेट करते हैं, कोई की देते हैं और उसकी बेस पे आप वो जो API कीज़ की फिर वो कॉल्स बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें आप उनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि वो आपको अपना प्लेटफॉर्म फुल इस्तेमाल करने देते हैं, कुछ लिमिटेड सी वो चीज़ें करने देते हैं जो कि APIs जो होती हैं उसकी तफसील आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो वहाँ पे बता दी जाती हैं। तो जैसे मैं अभी वैसे लिख के चेक कर लेता हूँ, मतलब अभी हमारा मकसद इनका वैसे API इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन वैसे जनरली जिस तरह अगर देखना है, जैसे आप डेवलपर्स के लिए देखें ये अलग से फेसबुक की सब डोमेन है, तो वैसे हम बाकी लोग ज़्यादा जो पब्लिक है वो इस्तेमाल करती है facebook.com, डेवलपर्स फिर इस पे सब डोमेन पे आते हैं। तो यहाँ पे इनके मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये माई एप्स है, यहाँ पे आप अपनी ऐप रजिस्टर करेंगे। मेरी ये कोई एक पुरानी पड़ी हुई है, मुझे अब याद नहीं मैंने कब बनाई थी। तो इसमें फिर यही होता है कि आपकी एक जिस तरह देखें यहाँ पे हमें ऐप आईडी दी गई है और कहीं ना कहीं हमें एक की होगी, लेकिन अभी मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ क्योंकि वो फिर सबको नज़र आ जाएगी। तो इसका फिर एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आपके पास या तो ये आपको SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दे देते हैं, जैसे मैं अगर PHP में काम कर रहा हूँ तो ये हो सकता है कि इनकी ऑफिशियल PHP की SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मौजूद हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ APIs के आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दें कि आप जैसे मर्जी अब उनको इस्तेमाल करें। तो फिर कभी होता है कि कंपनीज वाले खुद SDKs बना देते हैं, कभी होता है कि कम्युनिटी बना के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप वैसे काम करते हैं कोई डेवलपमेंट का आसिफ साहब? जी, मैं काम करता हूँ वर्डप्रेस पर, अच्छा, तो या आपने फिर एक, HTML कोडिंग। अच्छा सही है, तो किसी की आपने API इस्तेमाल की है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल, वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए API का यूज़ किया है। अच्छा, YouTube की आपने API इस्तेमाल की हैं? जी YouTube की भी है। सही है, फिर तो मतलब आपको मेरे ख्याल है अच्छा खासा आइडिया है। जी, API का काफी नॉलेज है। सही है, तो मज़ीद आप इस बारे में कुछ पता करना चाहते हैं या मैं, क्योंकि API मैं, का यही पूछना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल API अगर हमने यूज की हो, ठीक है, तो जो हमें URL हम प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब ये है कि उसको कोई और कैप्चर कर सकता है या नहीं, निकाल सकता है या नहीं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा एक जगह पे डाटा स्टोर है, ठीक है, और हमने वहां पे API का यूज किया है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, अपने यूजर को देने के लिए, क्या ठीक है। कोई और बंदा हमारा लिंक वहां से निकाल सकता है या नहीं? देखें, अगर तो कीज़ वगैरह जनरेट हुई हुई हैं और आपने यूज़र को कीज़ दी हुई हैं तो अगर जी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुई हुई है फिर तो वो डाटा एक्सेसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कीज़ अमूमन ऐसे एक रेंडम लंबा सा स्ट्रिंग हो सकता है 32 करेक्टर्स या उससे ज़्यादा कभी, तो वो जब तक साथ में प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो वो रिसोर्स ओपन नहीं होगा ना,
उसमें फिर हो सकता है कि वो आपने जो की जनरेट किया उसको आपने क्या एक्सेस दिया है, उसमें रीड ओनली एक्सेस भी होता है और रीड राइट बोथ भी हो सकता है एक्सेस। ठीक है सर, मेहरबान। तो कोई और सवाल है तो वो भी पता कर सकते हैं, वरना ये है कि फिर हम ये जो वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट कराने का मकसद ये है कि अगर कोई बिल्कुल बिगनर्स में से शुरू कर रहा है तो एटलीस्ट उसको ये बेसिक चीज़ें आती हों, ये HTML, CSS, JavaScript का आइडिया, तो तब वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग से फ़ायदा उठा सकता है। जी, तो इसमें फिर इसको बल्कि मैं अपने पास वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में साथ साथ मैं अपने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन भी ये अपडेट करता रहता हूँ कि इस पे हमने शुरू किया है काम, तो इसमें फिर ये कि बाद में मुझे आसानी होती है जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसको टाइम स्टैम्प उसकी बनाता हूँ, तो उसमें फिर मुझे फ़ायदा होता है कि वीडियो जब अपलोड होती है तो उसमें ये टाइम स्टैम्प मैं इसी तरह अपडेट कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसके ये पुरानी वाली ये ख़त्म कर देता हूँ, ये लास्ट जो वीडियो थी उसकी डिटेल्स हैं, और नेक्स्ट अभी मैं तो शायद वो देखते बोलने की शक्ति भी वापस आ सके। जी इसमें मैं अभी नेक्स्ट, चलिए ये चीज़ें मैं बाद में अपडेट करता रहूँगा। जी तो इसमें जो हमारा सेशन है इसका मरकज़ी जो हमारा ख्याल है वो यही है कि क्वेश्चन आंसर्स हम वो उस पे रहें, तो अगर तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये है कि हम वैसे एक ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसी को हम ये चलते रहेंगे, जैसे ये W3 स्कूल का ट्यूटोरियल है तो इस पे हमने ये काम शुरू किया हुआ है, तो इसमें मेन तो हम इसमें गो थ्रू ही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अभी नहीं किया जा रहा। जी आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया, क्या हाल है जी? ठीक है हाँ जी आते भाई ठीक है, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। अह नहीं कोई सवाल है? सर, मैं बात कम करा। अच्छा, अच्छा सही है। आमिर जी, इस तरह है कि एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैंने एक काम किया, एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, ओपन सोर्स में था। बहरहाल ये था कि वो मुझे मिल तो गया, लेकिन उसमें आमिर भाई, ये मैं अगर आप कहते हैं मैं स्क्रीन आप शेयर करके दिखा देता हूँ, तो जैसे आपकी मर्जी है। आप उसमें स्क्रीन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो पासवर्ड है वो MD5 में है। ठीक है MD5 में उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, MD5 से मतलब किसी स्ट्रिंग में लाना चाह रहा हूँ, या वो क्या चीज़ क्या है, वो हो सकता है इस तरह? ये तो फिर आप उसको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो काफ़ी मुश्किल काम है, ये इतने आराम से आप बैठे बिठाए नहीं कर सकते हैं। अच्छा, MD5 में क्योंकि वो नहीं, मैं आप इसे ब्रेक वो ना करें, लेकिन मैं एक चीज दिखाता हूँ आप मुझे स्क्रीन शेयर करके कि दिखाएं आप क्या चीज़ है आपके पास, आप ज़रा दिखाएं तो सही। मैं आपको दिखाता हूँ। भाई स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हुई है। जी मैं एक शेयर कर रहा हूँ, मैं भी ये होगी। अच्छा यहाँ पे अभी तक अब आने नज़र शुरू हुई है। जी, अबे भाई ये एक, अच्छा ये वैसे में वो उसमें वो कह रहा है कि माय एडमिन से मुझे दोबारा पासवर्ड लगा के एंटर होना पड़ेगा। आई थिंक मैंने उसको पासवर्ड दिया हुआ है। अच्छा सही, आप लॉगिन कर लें दोबारा। जी
हमें भी ये है जी, इसमें यूजर है, मेंबरशिप यूजर इसके, और ये स्कूल मैनेजमेंट का प्रोग्राम था। मैंने इसमें ये इनका एडमिन का जो अपना पासवर्ड था वो कुछ और था, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3 कर दिया। और लेकिन ये वैसे जैसे फर्ज करिए, ये एक एडमिन का पासवर्ड है, मैंने जब सॉफ्टवेयर से डाला तो उसने MD5 से कन्वर्ट किया, इस टेक्स्ट में ये एग्जैक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया उसने। ठीक है। अब मसला ये है, हेक्सा डेसिमल से वापस लेके जाना स्ट्रिंग में, तो ये इसकी कोई कमांड है आपके आइडिया, कोई आप मुझे कोई तरीका बता दे, मैं खुद ही ट्राई कर लूंगा जिसका वो बेहतर लगे। पांच तो भी इसमें होता ये है ना मिनट कि दे दे। जी, मैं आपको बताता हूँ ना कि पासवर्ड आप स्ट्रिंग में ही देते हैं, लेकिन डेटाबेस में जब स्टोर करते हैं तो उसको हैश फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बिलफरज़ ये डेटाबेस हमारी किसी भी वजह से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, किसी को एक्सेस हो जाती है, चाहे फिज़िकल एक्सेस हो जी जाती है या सर्वर पे लॉग इन कर लेता है कोई बंदा, तो उसको ये कि जी वो एक्चुअल पासवर्ड नहीं पता लगेगा। यानी जिस तरह ये तो अब बैकएंड है ना, ठीक है, एक है फ्रंट एंड, जिस तरह आपने लॉग इन करना है। अब देखें, यहाँ जी से आपको यूज़र नेम तो मिल गया है लेकिन पासवर्ड तो आपको नहीं मिला अभी भी, तो आप उसमें लॉग इन नहीं कर सकते सिस्टम में, अगर फिज़िकली आपको डेटाबेस मिल भी जाए तो इसका बेनिफिट मेन यही है कि अगर कोई हैकर या क्रैकर आपके अच्छा सिस्टम में जी घुस जाता है तो वो आपके सिस्टम को यूज़ उस तरह नहीं कर सकता कि जी जी सिर्फ डेटाबेस को रीड करके। तो इसमें करते ही हैं कि हैशेज स्टोर होती हैं, और अब आप इसका इस्तेमाल फिर लॉग इन जब सिस्टम करते हैं ना, तो उस वक्त आप यूज़र से पासवर्ड एंटर करवाते हैं, उस पासवर्ड को टेम्परेरी तौर पे हैश में कन्वर्ट करते हैं, और उस हैश को जो डेटाबेस में हैश है उससे मैच करते हैं। अगर तो वो मैच हो जाए तो इसका मतलब है कि जो पासवर्ड दिया गया है वो ठीक है। बात समझ रहे हैं? जी वो मैंने देखा है W3 स्कूल के अंदर ये ऑप्शन है ना, MD5 उसमें, MD5 में वो करता है ना कन्वर्ट, वो उस ऑप्शन तो उसके है ना W3 स्कूल के अंदर, लेकिन अच्छा, मुझे वापस करना नहीं आता ये। वापस करना नहीं आता, ये बात मुझे नहीं, वापस जो है ना ये तो ब्रेक करना है ना इस सिस्टम। हेलो अभी तो MD5 से भी ज़्यादा लेटेस्ट जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। आपके पास बहुत हाई फाई सिस्टम हो और वो लोग मतलब एक ब्रेक करने का तरीका तो इस्तेमाल करते हैं, बहुत लंबे चौड़ा है। यानी आप समझे कि आपने 5 करेक्टर्स का पासवर्ड यूज़ किया है, तो जिसको सीक्वेंस में आप पहले ए उसका हैश जनरेट करते हैं, सेव करते हैं डेटाबेस में, फिर ए, फिर बी का, फिर सी का, मतलब इस तरह, फिर जेड तक, फिर डबल ए का, फिर ए बी, समझ रहे हैं आप सीक्वेंस, इनके वो हैशेज स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस में। तो फिर वो डेटाबेस में उस जी, हैश को सर्च कर लेते हैं, डेटाबेस ठीक में वो है मौजूद है तो उनको वो पासवर्ड उसका मतलब स्ट्रिंग मिल जाता है, स्ट्रिंग क्या है। तो कुछ होते हैं कॉमन पासवर्ड्स, जैसे लोग 1 to 8 अक्सर रख लेते हैं लोग, या 1 to 6, 1 to 3, ये पासवर्ड अक्सर लोग वैसे टेस्टिंग के लिए या सर्वर्स पे लोग रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, या कुछ लोग पासवर्ड जो लफ्ज़ है स्ट्रिंग है उसी को पासवर्ड रख लेते हैं। तो वो लोग ये करते हैं कि देखिए, इस असल में ये ओपन सोर्स था, ओपन सोर्स पे था अमूमन ये एडमिन एडमिन 2 1 2 3 या ये लिखा जाता है ना जाता डिपेंड, है, जी डिपेंड करता तो है। इसमें असल में वो एग्जैक्टली नहीं, वो एक ओपन सोर्स उसने जो दिया था वो ये इसी तरह का दिया था। तो बहरहाल वो उसमें पांच जो कैरेक्टर रहता था ना, अपनी वीडियो जो मैंने उसकी ली थी, तो वो फिर अब लेकिन यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम आ गया कि उसका ओरिजिनल, मैंने उसको उसको मैंने मेल की है कि यार आपने मुझे ओपन सोर्स तो बड़ी अच्छी दे दी है, लेकिन वो सिर्फ व्यू कर सकता हूँ मैं, तो ये जाती है इसको, या तो फिर या यूज तो ना करो फिर, या फिर हटा दो। मैंने तो उसको बड़े पढ़े लिखे तरीके से कह तो दिया है, नहीं अब देखे वो आप, मुझे पासवर्ड देता ही नहीं देता। नहीं आप ये कर सकते हैं ना कि आप इसका जो आपके पास सोर्स फाइल्स तो पड़ी है ना, आपके पास PHP की सोर्स फाइल्स तो पड़ी हैं या नहीं पड़ी? जी पड़ी हुई हैं सॉफ्टवेयर की सोर्स फाइल PHP? पड़ी है तो जनाब फिर आप ऐसे करें कि जी। आप खुद नया एक हैश जनरेट कर लें, उसमें आप कोड में जाके देखें वो MD5 ही इस्तेमाल कर रहा है, पहले तो ये कंफर्म करें, पहले तो ये कंफर्म करें कि MD5 ही कर रहा मैं है, आपको उसका जहाँ पे सोर्स, लॉगिन लॉगिन वाला ये इसका प्रोसेस, सोर्स है अच्छा लॉगिन वाला प्रोसेस है ना, वहाँ पे आप जाएं तो आपको कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पे वो लॉगिन करवा रहा है ना उस कोड को, मैं जी उस कोड को आप जी देखेंगे जी तो फिर आपको समझ आ जाएगी चीज़ कि
वो MD5 इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जोन सा भी वो वो मैं इस पर जी, अगर वो कंफर्म आपको हो जाता जी हाँ है, मैं इसका हाँ ये इसका इसको, लॉगिन का हाँ पेज जी है। जी इसको दिखाएं। मैं ही खोल रहा हूँ। मैं बस यही थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाता है ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बड़ी एग्जांपल अच्छी दी है, आइडिया भी दिया कि वो जो है जी हाँ मैं ये जी इसको स्क्रॉल करें हेलो जी, इसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा। मैं अभी भी 10 10 दिनों को स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और करें स्क्रॉल, अभी तक तो एक मिनट रुक जाएं। अच्छा अब देखें इंडेक्स, ये भेज रहा है इंडेक्स पे, इंडेक्स को खोलें, क्योंकि देखिए फॉर्म सबमिट होगा ना लॉगिन वाला, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये भेज रहा है इंडेक्स डॉट जी पी जी एच जी पी के। देखें एक्शन में इंडेक्स लिखा हुआ है ना, तो इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल जी खोलें, इंडेक्स डॉट पी एच पी। इंडेक्स डॉट पी एच पी जी, इसमें कंट्रोल एफ करें पासवर्ड, कंट्रोल एफ और सर्च करें पासवर्ड। नीचे यूजर यूजर में जा रहा है, देखिए नीचे लेके जा रहा है ऐसे। अच्छा ये फिर लाइब्रेरी जो इंक्लूड कराई हुई है इसमें, जो लिब डॉट पी एच पी है इसको खोलें, किसी न किसी जगह इन्होंने उसको, सेव किया हाँ किधर इस्तेमाल किया होगा पासवर्ड, जाहिर बात है सबमिट इस पे हो रहा है ना, इसमें सर्च करें पासवर्ड, जी इसको जी फुल स्क्रीन कर दें बेशक। मैं वैसे में खोलने के लिए गया था। अच्छा इसमें पासवर्ड सर्च करें, ये फिर यहाँ बनाया होगा कुछ ग्लोबल किया है इसको पैचेस सर्च करें पासवर्ड, लगाए मैं करूँ पासवर्ड आप सर्च करें। करता हूँ जी। नहीं दे रहा। अमित अच्छा इसमें भी नहीं है, फिर पीछे जाएं, दूसरे फिर वाले में देखें इसके अंदर एक और उसने काम की, यहाँ पे यूजर यूज किया, यूजर डॉट पी एच बी यूज किया, ये जी इस, चेक कर लें। हाँ इसको खोल लें, ये बारी बारी खोल, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। बस ये 2 3 ही हैं जिसमें ये काम कर रहा है, मेनली ये जो मुझे नजर आ रहा है। बाकी ये कि मैं कहा आप से वो पूछ लेता, मैं उसको अभी यहाँ ट्राई कर लेते हैं। यूजर भी किधर जाके दे रही है, ये हेडर यूजर, ये हेडर यूजर जी। पासवर्ड नहीं दे रहा। अच्छा नहीं, इसमें असल में फिर आप देखें और फाइलें भी वो और अमित इंक्लूड करा रहा है ना। जी, इसमें लिप लिप की फोल्डर के अंदर डीबी कनेक्ट कर रहा है, देखें ये आपने, लिप का एक फोल्डर मिनट है। आप मुझे बताएं, प्रोजेक्ट पूरा खुला हुआ है ना आपके पास मेरे पूरा, पास प्रोजेक्ट मतलब ये इसमें सब लाइन के अंदर, आप कंट्रोल शिफ्ट एफ करें, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अच्छा जी, मैं 1 मिनट ये आपके ये पूरा खोला ये इसमें करता हूँ जी। जी, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अब जी इसमें पासवर्ड पूरा लिखें, वहाँ पे फील्ड का नाम यही है ना, पासवर्ड ही था ना जो लॉगिन वाले था, उसमें कंफर्म कर लें, लॉगिन वाले फाइल पे फील्ड क्लिक करें। का नाम तो कुछ और था, आई थिंक अच्छा चेक एम डी फाइव करें, था, MD5 था लॉगिन वाली, लॉगिन डॉट पी एच पी भी क्लिक करें, सामने खुली हुई है लॉगिन डॉट पी एच पी। ये नहीं, यहाँ पे, लिखी यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा, उधर ही ये। जाएं अच्छा दोबारा, पीछे पीछे जाएं वापस, लॉगिन डॉट पी एच पी भी क्लिक करें। login.php जी खुल गया। इसमें ये जो फील्ड है, मैं इसकी इनपुट फील्ड की बात कर रहा था, एक यूज़र ने, मैंने देखे नीचे जो है दूसरी इनपुट, इसका नाम देखे पासवर्ड ही है, ठीक है आप सर्च कर लें इसको, ठीक है नीचे जो है ना वो सर्च पे क्लिक करें जी, फाइंड फाइंड पे, कर दूं जी फाइंड पे क्लिक करें, ये इस प्रोजेक्ट में सब फाइल्स के अंदर इसको सर्च कर देगा। तो अब हमें जी देखना पड़ेगा कि इसकी फाइल, स्क्रॉल करें थोड़ा सा, जी जावास्क्रिप्ट में ज्यादा घुसा, देखिए नहीं, जावास्क्रिप्ट में फाइल मिल वो रही नहीं है है मेरे ख्याल, वो नहीं है, स्क्रॉल करें जी। और
एक मिनट, हमें भी एक गलती नजर आ रही है मुझे, क्या ये यहाँ पे पासवर्ड, इधर भी पासवर्ड दे, इधर दे दे। देखिए मैंने इन नीचे पासवर्ड एडमिन देना है ना, मेरा जो पासवर्ड DB का जो पासवर्ड वो है। बैकअप है, देखिए कन्फिग की बैकअप है ना, उसमें नहीं देना पासवर्ड, ये तो डेटाबेस का पासवर्ड है ना। डेटाबेस में आपने यूजर या रूट का पासवर्ड तो वैसे मेरे ख्याल होता भी नहीं है ना, रूट का ये नहीं, पासवर्ड। ये दिया। ओहो सॉरी, ये मैंने गलती कर दी। हमें भी ये वाला, देखें ये वाला पासवर्ड उसने दिया हुआ एडमिन का, ये वाला, दिस वन। तो ये फिर आप हटा दें, ऊपर यूजर नेम रूट हो गया और पासवर्ड नहीं होता ना, ऐसे ही है ना, एडमिन कॉन्फ़िग। नहीं 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 मतलब इसमें नहीं ये नहीं ये कुछ और है मैंने शायद, तो रूट का ये पासवर्ड मैंने रखा हुआ है ना, रूट का पासवर्ड नहीं मैंने नहीं एडमिन रखा हुआ एक है। मिनट, अभी आप ना चेक करें, इसको ना छेड़ें, इसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा, स्क्रॉल करें, ये उसकी कॉन्फ़िग है ना, ये हो सकता है ये उसके एडमिन यूज़र के पासवर्ड, इसको स्क्रॉल करें थोड़ा सा और करें जी, खत्म और करें। अच्छा बस इतना ही है, हो गया। नहीं इसमें ये मेरे ख्याल है कुछ और चीज़ है। वापस आप वो फाइंड रिजल्ट वाले में जाएं, क्योंकि आप इसमें ये देखें, ये यहाँ पे दे रहा है, ये पासवर्ड लॉग्ड इन आप हो विकास जी चुके, का पासवर्ड दे रहा है। देखें, आप मुझे आप ये बताएं आप इस सिस्टम में रोको, चेक करो। लॉग्ड इन हो चुके हैं या नहीं। मैं इसमें लॉग इन हुआ, लेकिन दूसरे यूजर के साथ हुआ ना, वो मैं वो चेक करा देता हूँ। चेक कराएं, ये देखिए, ये एडमिन्स मैंने खुद बनाया हुआ डबल एस के साथ ना, एडमिन्स डबल एस के साथ जो ठीक मैंने है बनाया हुआ पीछे। ठीक है। इसमें इसमें कुछ नहीं दिखाता, उसमें स्टूडेंट की से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक एक स्टूडेंट है, वो उसकी इंफॉर्मेशन है। आप इसमें एडिट ऐड नहीं कर सकते, और जो अगर आप अगर एडिट करना है तो एडमिन से इन होंगे तो काम कर सकेंगे। बाकी बड़ा प्यारा बनाया इसने, बहुत जबरदस्त बनना, मजा आया इसको, और उसकी वहां वीडियो पे देख के और उसकी। जो कॉन्फ़िग फाइल है वहां पे जो इसने दिया हुआ है एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड, वो अगर ट्राई करें तो वो चलता है ये वाला। ये वाला, ये कॉपी कर लूं, हाँ जी कॉपी करें, ये कॉपी कर लूं। जी जी कॉपी करें और उसके लॉगिन के पेज पे इसको ट्राई करें, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड ये वाला, लॉग आउट करें यूजर नेम एडमिन अच्छा जी, और पासवर्ड ये वाला। नहीं कर रहा जी। अच्छा, वापस आप उसी में जाएं जो सर्च हमने किया है ना, उसमें जाएं। जी अच्छा असल में फिर इसका पूरा फ्लो पता होना था। अब वापस उस सर्च वाले में आएं जो फाइंड फाइंड जो फाइंड रिजल्ट्स जो है ना उसमें हैं, इसको और स्क्रॉल आ करें, गया। जी और स्क्रॉल करें। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक ये इस्तेमाल हुई है चीज़, इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू नल पासवर्ड इज इक्वल टू INT माई एसक्यूएल डिफॉल्ट पासवर्ड, ये भी नहीं। नीचे आएँ और नीचे नीचे जाएँ, नीचे जाएँ, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल और ओ, ये तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहरहाल जाते जाएँ। वो अब फॉर्म ये देखें, भी ये सेट कर, ये साइन अप करते हैं ना, जब साइन अप करते हैं ना, तो उसमें जो पासवर्ड आता है उसको ये पासवर्ड कर रहा है, ये ट्रांसलेशन देखें ऑन किया होते हैं, ट्रांसलेशन कर रहा है पासवर्ड को। ठीक है, ये पासवर्ड को ट्रांसलेट भी करता है, ये इसको आप स्क्रॉल, ट्रांसलेशन की का उसने कोई। आप स्क्रॉल करें, आप मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो ये है कि जब सबमिट होती है, सबमिट हम करते हैं जब, तो उस वक़्त जो हमारा जी पासवर्ड जाता है वो किस फाइल में जी 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 जा रहा जाता है, क्योंकि अभी हमने इंडेक्स को सरसरी तौर पे देखा है है ना, तो वो हमें वहाँ से हिंट नहीं मिला वो, कुछ। मैंने देखा था, वो मैंने देखा था, वो यूजर यूजर में जा रहा था, किसमें? यूजर के नाम से था वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइल कौन सी है जिसमें वो सबमिट होके जा रहा है, इंडेक्स वहाँ पे तो उन्होंने इंडेक्स लिखा है, लेकिन इंडेक्स के अंदर भी तीन फाइलें ऐड हुई हुई हैं, फिर डेटाबेस, उन फाइलों के अंदर हो सकता है 10 फाइलें और इंक्लूड हुई हुई हों, तो इस तरह उसकी लोकेशन। ये अब देखिए देखिए यहाँ ये पे, चीज़ INT कॉमन, ये भजन, ये एक लगाया, मिनट रुकें, ये भजन, जी ये लगाया, ये लगाया ठीक है, उसने बस MD5 ही है, यानी MD5।
ये यूज किया हमने। कंफर्म हो गया है। तो अब आप उसमें डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस में जाएं, पीएचपी माय एडमिन में जाएं जी, और यहाँ पे देखें कि जो उन्होंने यूज़र बनाया है एडमिन के नाम से कौन सा यूज़र है। ये आपने खुद बनाया है ये एडमिन, एडमिन का नाम से यूजर है। ये 1 2 एडमिन 1 2 3 आपने खुद नहीं लिखा ये है। उन्होंने खुद अपना अच्छा, इसमें आगे टाइप शेप ये भी मैंने खुद बनाया है, टाइप किया तो नहीं, आपने कौन सा बनाया है ये वाला टाइप किया दिया था एडमिन्स के मैंने नाम से टाइप बन, कर मैंने एडमिन्स राइट करने की कोशिश की है कि चेंज कर नहीं, आपने जो यूज़र बनाया है वो एडमिन्स के नाम से है जी, मुझे मैंने जो बताएं। बनाया जिसमें लॉगिन हुआ वो ये वाला देखें ये वाला बना हुआ है एडमिन्स तो लेकिन ये काम नहीं कर रहा, इसमें आगे कोई डबल टाइप एस के साथ। टाइप टाइप वगैरह भी है कुछ आगे, टाइप इसमें स्क्रॉल करें जरा फील्ड को, आगे कोई टाइप के नाम से कोई है कि यूज़र टाइप एडमिन, मतलब ये यूज़र नॉर्मल यूज़र है या एडमिन यूज़र है, आगे इसको स्क्रॉल करके लेके जाएं राइट साइड पे यूजर है एग्जैक्टली बिल्कुल इसको जी, थोड़ा सा जी स्क्रॉल करें राइट साइड पे जाएं, आप सही कह रहे हो। वो असल में तो इसमें देखें ये आगे मेंबर बता रहा है ना, एडमिन मेंबर क्या चीज़ है, ये कमेंट्स हैं। अच्छा ये ये है फिर अप्रूव किया इज अप्रूव्ड एज 111 और अपने अपने आप को उसने ग्रुप में कुछ डाला हुआ है ठीक है जी। ये ग्रुप इसने दिया हुआ है ये देखें केल्विन को 3 ग्रुप में डाला हुआ है। जो नया गेस्ट आएगा वो 1 में जाएगा और एडमिन भी 3 ग्रुप में गया। यानी खुद से जो खुद बनाओगे वो उसमें जाएगा और जो अपना एडमिन है ये मैंने नहीं छेड़ा ये ग्रुप आईडी से 2 दी हुई खुद से बाय डिफॉल्ट। अच्छा, तो एडमिन्स को भी आपने ग्रुप ID 2 दी है ना, उससे फिर बात नहीं बनी। मैंने नहीं दिया वो उसने दिया हुआ कुछ नहीं, आप कह रहे हैं ना जो एडमिन्स के नाम से यूज़र है वो आपने खुद ऐड और किया ये है। देखें नहीं आप, एडमिन्स डबल एस के साथ जो है वो मैंने ऐड किया है और उसका पासवर्ड भी मैंने तो एडमिन्स ही रखा हुआ है। एडमिन्स ही जो मेरा एडमिन्स है ना यही मेरा पासवर्ड भी है। जब ये MD5 होके आता है ना MD5 होके फिर वो ये बन जाता है। अच्छा आप इस तरह करें ना, आप ये वाला जो पासवर्ड है ना इसको कॉपी करें हेलो जी, इस पासवर्ड को कॉपी करें जो हैश आपने ये लिखा हुआ है MD5 हुआ हुआ, इसको कॉपी करें। कॉपी कर रहा हूँ कॉपी हो गया और ऊपर एडमिन के नाम से कितने यूज़र हैं, ऊपर भी मुझे एक एडमिन्स के नाम से आ रहा है एस के साथ, एक ऊपर एडमिन के नाम से वो एक मैंने ही और। बनाया अच्छा ये पासवर्ड, था एस के साथ भी अभी मैंने ही आपने बनाया था लॉगिन लॉगिन वो आपने डैमेज किस, हो गया था। मैंने इसको चेंज किया मैंने नहीं इसमें मुझे ये बताएं कि आपने लॉगिन किस वाले में करना है, वो जो एडमिन के नाम से है या एडमिन्स के नाम से है, किस में लॉगिन करना है। मैं आमिर भाई जो एडमिन का एक्चुअल है ना जो ऊपर एडमिन ये लिखा हुआ है 1 2 3 हाँ वाला ये इधर मैंने पेस्ट खुद चेंज करें किया है ना जी, ये मैंने इसको खुद इधर पेस्ट करें, जो अभी का पासवर्ड आपने कॉपी किया है ना यहाँ पे पेस्ट करें, ये आपको पता है ना पासवर्ड क्या है। इधर पेस्ट करूं हाँ जी इधर पेस्ट करें, इसको डबल क्लिक करें जी, इधर पेस्ट ये मुझे करें पता है जी कर जी, आपको पता है ना ये किस पासवर्ड का हैश है दिया जी। अब जी ये मुझे पता है ये एडवांस का है जी साइड पे किधर क्लिक कर दें आप, साइड पे किधर ये। किधर बाहर क्लिक करें ना बाहर, ताकि वो सेव हो जाए। अब आप उसमें लॉगिन वाले पेज पे कर दिया जाएं, जी ठीक लॉगिन वाले पेज पे जाएं है जी और यूज़र नेम एडमिन दें और पासवर्ड जो हैश का पासवर्ड है वो वाला दें। लॉगिन मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए इसको। हो गया जी। अब देखें वो चीज़ें आ रही हैं जो आप ढूंढ रहे हैं कि उसमें मिसिंग हमें है, भी जो चीज़ें आप कह रहे थे मिसिंग हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि आप कह रहे थे ना राइट एक्सेस नहीं मिल रही। आमिर भी हो गया जी आमिर भी हो गया शॉर्ट लग गई है जी। अच्छा बस ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है। आमिर भाई आपने तो शॉर्ट मार दी जी वो क्या आइडिया निकाला आपने गुड शॉट थैंक यू आप अमर भाई। आमिर भी ये मैं एक जगह पर पहुंचा था वो मुझे बता रहे थे लेकिन ये जो आपने मुझे ये आईडी जब निकालने से कॉपी करे तो फिर मुझे हैश तो पता था ना तो जी, आपने ये बड़ी जबरदस्त एक आइडिया निकाला क्या बात है क्या भाई। हाँ क्योंकि उस जो हमने हैश वहां पे आपने सेव किया वो, उसको तो आपको कंफर्म पता है कि वो किस चीज का हैश है हाँ जी 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 मुझे कंफर्म था वो जी, इसीलिए उसको वहां पे पेस्ट किया है ना। ये कभी कभी डेटाबेसेस में हमारे साथ इस तरह हो जाता है ना कि आप कोई डेटाबेस इंपोर्ट करते जी हैं, उसमें कोई हैश इस तरह पड़ा है लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है,
वो क्या है, तो फिर हम ऐसे जी करते हैं कि हम किसी ऐसे नोन हैश को जिसका पता है हमें कि उसका वो किस चीज़ का हैश है, उसको वहां पे पेस्ट कर देते हैं। अमूमन हाँ जी, ऐसे अच्छा ऐसे ही करते हैं। जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक हो गया जी आमिर भाई, ठीक अच्छा, कोई हो गया आमिर कोई और भाई। सवाल तो नहीं है? आमिर भाई जदाकला जी, आमिर अच्छा भाई सो आपको 100 नंबर दिए हैं जी, कैसी बात कर रहे, जदाकला जदाकला। शुक्रिया। अच्छा फिर ऐसे है कि मैं वापस, वो आप बेशक स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म कर दें, मैं मैं वापस। खत्म करता हूँ आमिर भाई, मेरा असल में यही असल में था, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ये मेरी लर्निंग का बहुत बड़ा प्रोसेस था आमिर भाई, और मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा था। मैंने कहा यार इसकी टेक्निक तो पता चले ना, तो बहरहाल मेरा काम हो गया, मैं अभी स्टॉक शेयरिंग कर रहा हूँ जी। जी सही है। अच्छा मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये कंफर्म कर दें। आमिर भाई अभी आपका टैग करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट ठहरे, आप किस स्क्रीन से शेयर कर रहे हैं, अभी शेयर नहीं हुई स्क्रीन आमिर भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है नहीं तो हुई, शेयर नहीं हुई, नहीं आमिर भाई। रिज्यूम। अच्छा ये मुझे रिज्यूम की एक ऑप्शन कह रहा है, रिज्यूम रिज्यूम। अच्छा अभी आ रही है, असल में इन्होंने थोड़ा सा कोई जी मुझे आमिर लगता भाई, है इसको चेंज किया है कुछ सेटअप पहले, क्योंकि यहाँ पे मुझे याद पड़ता चेंज है किया, चेंज किया, और भी मैं भी देख रहा हूँ क्योंकि क्लासेस चेंज हुई, हाँ मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम क्योंकि हुआ है, चेंज क्योंकि जब किया। आप स्क्रीन शेयर करते थे ना, आपके दो यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाते थे नाम लिस्ट में, तो आप दूसरे वाले पे क्लिक करके इसको पिन कर सकते थे, अभी मुझे वो पिन वाली ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। जी ऐसी है आमिर भाई, बहरहाल बल्कि पिन यहाँ पे पिन योर पिन वाली है ऑप्शन। चलिए इसमें थोड़ा सा ये कि वो आपको विजुअली पता लग रहा होता है कि वाकई ये स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अभी आप यस शेयर फॉलो शेयर होगी। फॉलो करेंगे ये जो मतलब मैंने आगे फिर ये मीडिया और इसमें इसको शुरू कर देना है प्रोसेस, इसको जी आमिर करना भाई आप मेरा कुछ, आमिर भाई आपने जो सेशन रखा हुआ है ना, जो पहले आप टाइम आप क्वेश्चन करते हैं, जो जो भी हमारे दोस्त ज्वाइन करते हैं और आप उनको जो चांस देते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत होती है, अगर कोई समझे कोई बंदा सिखाना चाह रहा होता है, ये बड़ी नेमत है। तो आपने मुझे ऑप्शन दिया, मैंने देखे क्वेश्चन तैयार रखा हुआ था, जबरदस्त तो जबरदस्त अल्लाह पाक की तरफ। जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा अच्छा हो गया आपका, मतलब एक ट्राई कर रहे थे वो आपका काम हो गया। तो आमीन से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर ऐसे है कि अगर आपने मतलब मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो मैं अभी ये HTML का जो ये है, मैं आगे ये चैप्टर इसको एक्सप्लेन करूँगा, ये इसको साथ अभी आप देखेंगे या नहीं? आमिर भी कोई है कोई मसला, मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तो आप कुछ कहना चाहते हैं वो बता देने, अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे ऑप्शन दे नहीं दें। मेरा मतलब ये है कि अगर आप नहीं देख रहे तो मैं फिर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूंगा ना, तो मैं नॉर्मल जिस तरह आप कर रहा हूँ फिर कोई। नहीं, मैं देख लूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। नहीं आमिर भी कोई मसला नहीं, आप शेयर करें ये बेहतर होता है, कोई ना कोई शेयर और होता है, मतलब अगर हम लोग बैठे होते हैं, हम आपकी चीजें देख रहे होते हैं, आप कोई ऐसी बात कह देते हैं, हमारे लिए बड़ी कारामत होती है, सिर्फ लफज होता है, कहने में एक लफज मतलब होता मैं है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखे कि काम मुझे हो सकते हैं आप जी बाद जी में फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, इस तरह भी मुमकिन है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आपने निकलना है या साइन आउट होना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मतलब सवाल है तो मैं यहाँ वो। पर भी आपको बता दूंगा, अच्छा सही मैं है, आउट होने को मैं अच्छा बता दूंगा। सही है, ठीक है ठीक है, मैं इसको स्क्रीन शेयर इस तरह रहने देता हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा साथ मार्क भी करता जाऊँ कि स्टार्ट हमने इससे किया था, फिर आमिर एक भाई आप शुरू करें, मैं देख रहा हूँ, एक कॉल आ गई, मैं फिर आपसे 5 मिनट, तो मैं इधर ही ठीक बैठा है, हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको जो कर रहे आप हैं, ठीक है, माइक आप म्यूट सिर्फ मैं कर ऑफ दें कर रहा हूँ माइक। जी, माइक बंद कर दें, ठीक। तो यहाँ पे एक असल में क्वेश्चन को फिर हमने स्टार्ट किया, फिर क्वेश्चन आ गया, तो अभी हम फिर वापस इसकी तरफ आमिर भाई आते हैं। क्वेश्चन भी काइंडली जरूर लिखिएगा कि MD5, क्वेश्चन जी मैं भी वो लिखिएगा MD5 को, यूज ऑफ जी जी MD5 वो मैं पासवर्ड। इंशाल्लाह यहाँ पे टाइटल कुछ इस तरह बना के जी ना लिखूँगा, लिखूँगा टाइटल बना के यस और प्रॉपर इसको करूँगा बाद में, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूँ फिर मैं इसको यहाँ पे अच्छा टाइमलाइन जो है फिर अपडेट करता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है जी, लेकिन वो बहरहाल तो हो जाएगा फ़ायदा आमिर भी, वो टाइम में बाद में क्वेश्चन आप जी ठीक फ़ायदा मंद हो जाएगा हो, ठीक हो, जी। थैंक यू तो जी। अभी हम फिर इसमें मीडिया देखते हैं कि कैसे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये बिल्कुल जो बिगनर्स लेवल की चीज़ें हैं, और अगर आप सेशन हमारा ज्वाइन किया है आप देख रहे हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी साइड है ये, आप इसको फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे ये मकसद इसलिए सेशन ये कोर्स फॉलो करने का मकसद ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है
तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूं। तो अगर कोई ऑनलाइन आता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से, मेरा जो एक टारगेट है कि मैं एक दफ़ा ये सेशन रिकॉर्ड कर लूं, ये PHP तक, HTML, CSS, JavaScript, PHP। तो फिर उसमें ये है कि फिर कोई फ्यूचर में मुझे कोई बंदा कहता है, जी मुझे आप चीज़ें ये बता दें, करा दें, तो मैं कह सकता हूँ ठीक है जी, मैंने ये रिकॉर्डिंग्स की हुई हैं, आप देखें, तो ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन फिर करें, अगर उससे आगे आपने बात करनी है तो ये बेसिकली प्लान है। तो मल्टीमीडिया, जैसे हम, हमारे पास इंटरनेट पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। देखते हैं फिर इसमें क्या क्या तरीका है। तो इनिशियली तो ब्राउज़र जो है वो सिर्फ टेक्स्ट और लिंक्स को सपोर्ट करते थे, फॉन्ट और कलर भी कोई महदूद से थे। बाद में फिर, अभी तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है ऑलमोस्ट। अभी जो आपके ब्राउज़र बेस्ड जो एप्स हैं और जो आपकी डेस्कटॉप एप्स हैं, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती जा रही हैं, मतलब इतनी अच्छी स्पीड इंटरनेट की मिल रही है। और आगे मुस्तकबिल में जाके तो और चीज़ें नज़र आ रही है कि ये कोई मानी रहेगा ही नहीं कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या वेब ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्राउज़र पावरफुल और होते जा रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती जा रही है। तो ऑलमोस्ट आपका इन फ्यूचर जो नज़र आ रहा है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बस कंटेनर टाइप ही हो जाएंगे, यानी आपकी वेब एप्स जो हैं वो ज़्यादा चल रही होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, और इसमें हमारे पास जो ऑडियो फाइल है एक वेव के नाम से, MP3 और MP4, ये वीडियो फॉर्मेट है, और ये मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स हैं, कुछ विंडोज़ स्पेसिफ़िक हैं, कुछ जेनेरिक हैं। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये MPEG एक मशहूर नाम है, तो इसकी ये दो हमारे पास एक्सटेंशन हैं, MPEG और MPG। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो इस तरह की चीज़ें डेवलप करते हैं, जैसे ये AVI, अब ये माइक्रोसॉफ्ट की डेवलपमेंट है, क्विक टाइम जो है एप्पल की फॉर्मेट है, और इसी तरह फ्लैश जो है माइक्रो मीडिया क्या है। तो अभी जो WebM के नाम से भी एक फॉर्मेट है, कंप्रेस्ड आपकी वीडियो फॉर्मेट है ज़बरदस्त, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कॉमन अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती जा रही हैं ज़्यादा इस्तेमाल। तो आगे हम चलते हैं, इसी तरह ऑडियो फॉर्मेट में MIDI, रियल ऑडियो, रियल मीडिया की तरफ से है, OGG ओपन सोर्स फॉर्मेट है, और ये MP3 और MP4 MPEG की तरफ से है। तो ये फॉर्मेट्स हैं, आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हमारे पास वीडियोस अगर हैं, तो उसमें HTML5 में ये वीडियो का हमारे पास एक टैग है, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोर्सेज आप देखें, एक से ज़्यादा सोर्सेज दिए हुए हैं, और अगर आपका ब्राउज़र्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, तो फिर इसके टेक्स्ट में ये चीज़ भी लिखी हुई है। अगर ब्राउज़र आपका, बहरहाल आजकल तो ऐसे नहीं होता, ब्राउज़र सपोर्ट ना कर रहा हो, जिस तरह क्रोम है, वो आपके ऑलमोस्ट सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको ब्राउज़र ये मिल रहा है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे ब्राउज़र आपके मोबाइल है, चाहे टैबलेट्स हैं, ऑलमोस्ट सब जगह पे ये आपको ब्राउज़र मिल रहा है। तो वो आपके ये ऑडियो वीडियो PDF इस तरह की चीज़ें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा सोर्सेज देने का ये मकसद है कि अगर एक सोर्स किसी वजह से नहीं प्ले हो रहा, कोई इशू है सपोर्ट आपका ब्राउज़र के, तो वो दूसरे पे स्विच कर जाएगा, अगर दूसरा भी नहीं तो फिर आपको ये एरर शो कर देगा। तो ये हम वीडियो यहाँ पे प्ले कर देते हैं, तो अभी जैसे स्पीड मुझे लगता है ठीक ही चल रही है, तो ये प्ले हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये जो पाथ यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये रिलेटिव पाथ दिया है। तो रिलेटिव पाथ का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पूरा
पाथ नहीं दिया, तो इसलिए ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि ये जो HTML ऊपर URL आ रहा है, इसी के आगे आप स्लैश यही फाइल का नाम लिख दें तो ये इधर आपके ब्राउज़र में भी ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे कंफर्म भी हो जाएगा कि ये कौन सी वाली प्ले हो रही है, तो ये पहले वाली ही प्ले हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के कुछ गलती इसमें इसके नाम में कुछ गलती जानबूझ के कर देता हूँ, मसलन यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो फिर इसको रन करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि ये क्या रिएक्शन इसका होता है। तो अब बाहर लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली इस पे स्विच कर गया है। बहरहाल कंफर्म इसका हो जाएगा, इसी पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, फाइल के नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OGV अब नाम आ रहा है। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे इसका नाम भी जानबूझ के तब्दील कर देता हूँ। सर्वर पे तो दूसरे नाम से पड़ी हुई है जो ओरिजिनल नाम था, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के मैं इसका सोर्स का नाम गलत दे रहा हूँ ताकि ये अब मुझे ये एरर शो करे। तो एरर इसने शो नहीं किया है क्योंकि बेसिकली ब्राउज़र तो वीडियो को सपोर्ट करता है। एरर तो ये सूरत में दिखाएगा कि अगर जिस ब्राउज़र में हमने ये लिंक ओपन किया हुआ है अगर वो वीडियोस को सपोर्ट नहीं करता, मतलब अगर वो बहुत पुराने, जिस तरह के आप जो पुराने सेट्स आते थे जिसमें कोई एक आध ब्राउज़र, मतलब स्मार्टफोन्स नहीं थे उससे पहले जो एक्सपीरियंस था वेब का, तो उस तरह का कोई ब्राउज़र है जो वीडियो को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर आपको ये वाला मैसेज नज़र आएगा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और आगे हम चलते हैं, इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं। बल्कि कंट्रोल्स, अच्छा अगर कंट्रोल के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें तो ये आपके ये कंट्रोल्स शो करेगा, जिस तरह के यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल किया है, या इसमें भी था या नहीं मुझे कंफर्म नहीं, यहाँ पे भी था बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा ही कोई डिफरेंस है जी, बस नीचे वो कर्टसी शायद ख़त्म हुई हुई है। साइज़ का छोटा आप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल्स अगर ये इसका एट्रीब्यूट ख़त्म कर दें तो फिर ये कंट्रोल शायद नज़र नहीं आएंगे। राइट क्लिक करके आप फिर भी ये शो कंट्रोल्स कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, लूप पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो फिर प्ले मुसलसल ही होती रहेगी। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं, पेज के ऊपर कोई आपके एडवर्टाइजमेंट टाइप की कोई वीडियो है तो उसको लूप पे क्लिक कर दें और इसको जब फिर प्ले किया जाएगा तो ऑटो प्ले मसलन आपने ऑन किया हुआ है तो ये जब ख़त्म होगी तो फिर प्ले हो जाएगी, और ये लूप में चलने का लूप की वजह से ये फ़ायदा है। तो अभी मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ लूप। न्यू टैब में ओपन करनी है, सेव करनी है अपने लोकल कंप्यूटर पे, तो इस तरह सेव भी कर सकते हैं, कॉपी एड्रेस कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर मोड भी इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है, और हाइट विड्थ आपको मेंशन करनी चाहिए। सोर्स में हमने बल्कि देखा है एक से ज़्यादा हमने फॉर्मेट्स मुख्तलिफ तरह की लिंक दिया था कि अगर एक सपोर्टेड नहीं है तो दूसरे पे चला जाए, और ये तकरीबन एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ ये चीज़ें। अच्छा अगर हमारा जिस तरह मैं बता रहा था कि एडवर्टाइजमेंट की अगर हमने कोई वीडियो बनाई हुई है साइट पे अपनी, तो आप ऑटो प्ले का भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा। और कंट्रोल्स वो फिर वही बात है, राइट क्लिक करके आप कंट्रोल शो कर सकते हैं, और इसमें फिर अगर एडवर्टाइजमेंट है तो फिर आपको उसको लूप वाली ऑप्शन भी इनेबल करनी चाहिए ताकि वीडियो आपकी प्ले हो और प्ले होती रहे मुसलसल। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे एक नोटिस नोट करने वाली बात है कि ये ऑटो प्ले जो है आईपैड और आईफोन पे नहीं चलती। तो वैसे भी ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो एंड्रॉयड के हैं, तो अगर आपके यूज़र्स बिजनेस यूज़र्स ज़्यादा हैं तो वो फिर ज़्यादा इम्कान है कि वो आईपैड या आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो फिर आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। तो अगर आपको वो बिज़नेस या आपका टारगेट वो वाले लोग नहीं हैं तो फिर तो आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र सपोर्ट के हवाले से देखते हैं कि ये क्रोम के 4th वर्जन
से आ रहा है, मतलब बहुत पुराना, और क्रोम ऑलमोस्ट आजकल हर प्लेटफॉर्म पे है, तो बाकी में भी ये सपोर्ट इसकी मौजूद है। MP4 तकरीबन सब ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड है, WebM भी अभी सब पे है, OGG ये भी ओपन सोर्स एक फॉर्मेट है, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। और अच्छा, ये अगर आपने मीडिया उसमें मेंशन करना है तो ये स्ट्रिंग आप लिखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें हम किस तरह बटन्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हम एग्जांपल देखते हैं कैसे हम कर रहे हैं। मसलन प्ले, बिग, स्मॉल, नॉर्मल, साइजेस हम चेंज कर रहे हैं रन टाइम पे, यानी डायनामिकली। अलबत्ता यहाँ पे फिर भी हम राइट क्लिक करके शो कंट्रोल्स कर ही सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे ये किस तरह हैंडल किया है। बाकी देखिए, हेड सेक्शन यहाँ पे स्किप कर दिया है क्योंकि अभी डेमोंस्ट्रेशन करनी थी, जिस चीज़ की वहीं पे फोकस है। ये स्टाइल इनलाइन इस्तेमाल कर लिया है, सेंटर में ब्राउज़र के आ जाए। फिर हमारे बटन्स हैं ये चार, और कर्टसी वीडियो डाली है, और आखिर में ये कर्टसी का भी लिंक डाल दिया है। तो इसमें देखिए, हमने जो इवेंट है ऑन क्लिक, इनको इस्तेमाल किया, और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ जावास्क्रिप्ट के, JS के ये फंक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं। तो यही फंक्शंस नीचे डिफाइन हुए हैं, ये स्क्रिप्ट के टैग है स्टार्ट, और स्क्रिप्ट का टैग है क्लोज। तो यहाँ पे जो वीडियो एलिमेंट है, इसका नाम ये अहम है, Video1, क्योंकि इसी के बेस पे हम नीचे कोड में कॉल करना है। तो अभी हम देखते हैं, अब जिस तरह वो वहाँ पे भी मेंशन हुई थी चीज़, ये वीडियो साथ हमने लिखना है, जिस तरह इसकी अब टाइप मेंशन करनी है, तो ये हमने फिर टाइप इसी तरह लिखनी है, Video/ इसकी सोर्स टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले इस वेरिएबल के अंदर, माई वीडियो के अंदर, इस एलिमेंट को लेके आए हैं, गेट एलिमेंट बाई ID। तो अब समझिए कि माई वीडियो इस Video1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे है। तो अगर पॉज प्ले पे क्लिक होगा, तो यहाँ पे इफ कंडीशन हमने लगाई है, इफ माई वीडियो डॉट पॉज, ये पॉज होगा तो यहाँ पे इस ट्रू आएगी वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो पॉज है तो प्ले कर देगा, और अगर पॉज प्ले है तो उसको पॉज कर देगा। तो ये सिंपल एक कंडीशन लगी हुई है, टॉगल हम कह सकते हैं कि प्ले है तो पॉज हो जाएगा, पॉज है तो प्ले हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे देखिए, डायनामिकली ये इसकी विड्थ हम चेंज कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, उतने पिक्सल ये हो जाएगी, स्मॉल, मेक नॉर्मल। तो ये आप, बाकी चीज़ें तो इतनी अहम नहीं है, लेकिन आप इसके अलग अलग बटन भी बना सकते थे। प्ले का होता तो उसमें आपने सिर्फ ये लिखना था, वीडियो जो भी यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया है, माई वीडियो डॉट प्ले और माई वीडियो डॉट पॉज, ये एक अलग से बटन भी बना सकते थे पॉज और प्ले का। तो इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस के लिंक्स हैं, इसमें हम, इसमें एक ये चीज़, ट्रैक डिफाइंस ट्रैक इन मीडिया प्लेयर्स, इसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया और वहाँ पे जिक्र किया है, पता नहीं क्यों ट्रैक किसी जगह जिक्र मेरे ख्याल है नहीं आया। और यहाँ पे सोर्स और ट्रैक इस्तेमाल हुआ है, कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं दी है। बहरहाल यहाँ से तो ये पता लग रहा है कि आपके ये लैंग्वेज स्पेसिफिक सबटाइटल्स हैं, गालबन ये इंग्लिश के, और ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज के हैं। बहरहाल इसी तरह ही है, अगर ये वर्किंग में है तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके पिछली किसी एग्जांपल में भी हम ट्राई कर सकते हैं।
तो कंफर्म भी हो जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। तो इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, रन करता हूँ और प्ले करूँगा। तो अगर नहीं, ये वैसे ही डमी एग्जांपल है, इसका मतलब है ये एक्चुअल फाइल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आपके फिर ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल है जो कि सब टाइटल्स के लिए, जहाँ पे फिर आपके इसके ये मौजूद भी होनी चाहिए सर्वर पे और उसके अंदर टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं और ऑडियोस को किस तरह हमने ऐड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। तो ऑडियो और जिस तरह वहाँ पे हमने देखा है कंट्रोल्स के नाम से एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे भी इनेबल किया है कंट्रोल्स। और ऑडियो में तो आपके पास विजुअल तो होता नहीं है कि आप कंट्रोल्स हाइड करें, कंट्रोल्स तो शो होने ही चाहिए। तो इसको प्ले करके देखते हैं। और अभी मैंने वैसे ऑडियो इसकी यहाँ से ऑफ की हुई है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन होगी जैसे कि मेरा भी यही अंदाज़ा था। तो सोर्स में उसी तरह दो दिए हैं, ओपन सोर्स फॉर्मेट पहले दिया है। अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता होगा तो MP3 पे वो शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ब्राउज़र सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता तो ये मैसेज नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखना चाह रहा था ये कंट्रोल्स को अगर हटाऊँ तो फिर कैसा ये व्यू आएगा, तो व्यू है ही नहीं क्योंकि वीडियो तो ये है नहीं, ऑडियो है सिर्फ। तो कंट्रोल्स हमें इसमें चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, ब्राउज़र सपोर्ट ये भी पुरानी सपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें सबसे अच्छा फिर फॉर्मेट आप देखें तो MP3 है जो कि तकरीबन सब ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है। वेव और OGG ये भी पार्शली सपोर्टेड है। तो ये उनकी मीडिया टाइप है अगर आपने टैग के अंदर इस्तेमाल करनी है वैल्यू। तो आगे हम चलते हैं, बाकी आप फिर ये रेफरेंस ही है, इसको मैं स्किप करता हूँ। प्लगइन्स, तो पहले ये होता था कि हमारे जो ब्राउज़र्स हैं उसके ऊपर हम ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए प्लगइन्स इस्तेमाल करते थे। फ्लैश, अगर आपको याद हो, उसको फ्लैश अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती थी, उसका प्लगइन ब्राउज़र में अटैच हो जाता था, तो फिर आपकी फ्लैश एनिमेशन वीडियोस वगैरह प्ले हो सकते थे। तो अभी तो ऑलमोस्ट आपके जो HTML5 है उसमें प्लगइन्स की ज़रूरत बहुत ही कम हो गई है। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट एक बना रहे हैं और डेटा में हमने फाइल का नाम दिया है, तो वो गालबन टेबुलर फॉर्म में है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट ऐसे ही डिस्प्ले हो गया है। तो इस फाइल को हम अलग से भी ओपन करके देखते हैं, इस फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए ये फाइल। इसको मैं नई टैब में खोलता हूँ और इस फाइल का नाम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल इसी तरह टेबुलर फॉर्म में है, इसका सोर्स भी हम देख लें, टेबुलर फॉर्म में ये है। तो आगे हम चलते हैं, डाटा आपका ये तस्वीर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट एम्बेड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है इनकी हमें ज़रूरत अभी नहीं रही है क्योंकि अब हमारे पास बिल्ड इन, ये हमारे पास ऑडियो वीडियो इस तरह के हमारे टैग्स अब मौजूद हैं। तो पहले हमारे ये ऑब्जेक्ट एम्बेड इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो इसको हम स्किप स्किप करते हैं, आगे चलते हैं यूट्यूब की वीडियो को किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो YouTube में वैसे तो ये है कि आप उसमें जाएं तो वो खुद भी कोड आपको दे देता है शेयर करने के लिए। जैसे कि मैं अगर
वीडियो पे जाता हूँ, किसी पिछली जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसी उसी के ऊपर जाता हूँ, लास्ट वीडियो का लिंक। तो आपने अगर अपनी किसी वीडियो को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे बट यू आर वेलकम टू आस्क। या किसी भी जगह आपने शेयर करना है तो सिंपली आप शेयर पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपने एम्बेड करना है तो फिर आप ये कोड ये कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये इसको आप कस्टमाइज भी थोड़ा कर सकते हैं, या फिर आप खुद उसका आई फ्रेम और इसमें सोर्स में ये उसका पाथ दे दें, तो तब भी ये इसी तरह ये आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर आपने जो लिंक यूज़ करना है वो एम्बेड वाला ही करना है, वो नॉर्मल वाला लिंक यूज़ नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे एम्बेड लिखा हुआ है। तो आगे हम चलते हैं, यूट्यूब ऑटो प्ले प्लस म्यूट। एक्सक्यूज मी आमिर भाई, आमिर जी भाई, अभी जो आप एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, ये एम्बेडेड जो लिखा हुआ है मतलब जी यूट्यूब एम्बेडेड, तो मतलब अभी बता रहे थे एम्बेडेड लिंक मिलता है, तो वो अगर हम कॉपी करते हैं तो वो हम पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर देंगे इस सोर्स के आगे लिख देंगे या क्या करेंगे? ठहरे, मैं आपको वीडियो दोबारा वो दिखाता हूँ जो वीडियो हमने प्ले किया। बेसिकली ये भी आपको आई फ्रेम ही का आपको दे रहे हैं एम्बेड के लिए। देखिए ना, आप इस पे क्लिक करें ना, तो ये आपको जो दे रहे हैं, आपको कोड दे रहे हैं वो सारा देखें आई नेम फ्रेम है ही, जी जी आई फ्रेम ही है। जी और यहाँ पे देखें लिंक भी वही है, एम्बेड वाला ये दे रहे हैं। बाकी आगे मेरे ख्याल है ये चीज़ सेम है उस वीडियो जो प्ले हो रही है, जिस तरह यहाँ पे देखिए वी, ये चीज़ सेम लग रही है इधर भी और इधर भी। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा देखें जी हमारे youtube.com/watch और V=, ये वी फॉर वीडियो, ये इस तरह आगे की कोड। लेकिन यहाँ पे ठीक देखें है youtube.com/embed, मतलब मैन्युअली भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अगर ठीक कॉपी है पेस्ट करके करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि YouTube को तो पता है कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स सपोर्ट करते हैं। यस ठीक है ठीक तो है इसमें कुछ पैरामीटर्स और भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी यहाँ पे मतलब नहीं लिखे हुए हैं। जैसे कुछ लोग पसंद नहीं करते कि ये YouTube का इधर नीचे वो लोगो आए या कुछ इस तरह का, मेरे ख्याल इस तरह का कोई एक कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं बीच में, वो लिखें तो वो आप एक लिहाज से इस तरह का शो कर सकते हैं जिस तरह आपके अपने प्लेटफॉर्म की वीडियो है, यानी YouTube की नहीं है या किसी और प्लेटफॉर्म की नहीं है। तो इस तरह के अच्छा छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप ट्यून करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर अपनी लगेगी, अगर हम वो सेटिंग करेंगे फिर वो ऐसा लगेगा हमारे इस पे प्लेटफॉर्म से जा रही है। हाँ अभी देखें ना, जिस तरह हम ये प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी इसको देखेगा, फर्स्ट फर्स्ट लुक से ही उसको अंदाज़ा हो जाएगा ना ये YouTube प्लेटफॉर्म की है हाँ ये कह रहा हूँ, ये तो नजर आ रही है। जी। तो तो आपके पास कोई एग्जांपल है ऐसी जो लगे नहीं, आपने कोई बनाई है अब नहीं, ऐसी मैंने कोई बनाई नहीं है एग्जांपल? लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल होती हुई देखी है, तो मैं अभी ये कि इसको ट्राई कर नहीं सकता क्योंकि हूँ। मैं मुझे आइडिया है, मैं यूज करता रहा हूँ आमिर भी, मतलब एक मैंने आपको जी पता है मेरी इतना एक्सपर्टी सुनी है, मतलब अच्छा देखिए, एक मैं एक भी देखिए यहीं पे ऑप्शन है शो प्लेयर कंट्रोल्स, तो एक तो इसी को हटा दें, कंट्रोल एक तो हट जाएंगे, बाकी फिर हमें इसकी एपीआई को थोड़ा सा देखना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा। मैं ऐसे कि चेक कर लेता हूँ ये जी आमिर भी एपीआई। आप बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा था, जी बहुत अच्छी आप जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे थे, तो मैं नहीं नहीं मुझे अच्छा लग ये रहा था, नहीं नहीं ये क्वेश्चन काम की कर लेना चीज़, चाहिए ये मैंने। काम की चीज़ है कि आप जी जी वैसे ख्वाहिश तो होती है ना, देखिए मेरी एक पर्सनल वेबसाइट है abc.com, तो मेरी ख्वाहिश तो होगी कि सब कुछ लगे कि मेरे अपने साइट के ऊपर से रन हो रहा है, बजाय इसके हाँ जी कि ऐसा किसी और का, मतलब एक लिहाज से ठीक थोड़ी खुदगर्जी वाली बात भी है। लेकिन बहरहाल है, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इस तरह की इसमें है ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं अगर उनका वो पेस्ट करता हूँ लिंक, जो कि मैंने शायद क्लोज ही कर दिया, एम्बेड हम ये नहीं चाहते और ये इन्हांस मोड में नहीं चाहते, और इसको अब हम कॉपी करते हैं। मैं देखता हूँ वो कंट्रोल्स हाइड करने का उसके क्या मतलब था उसका, वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने कुछ ख़ास चीज़ इस्तेमाल की है, विड्थ हाइट सोर्स में वो पाथ आ गया, और कंट्रोल्स देखे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने डाली है कंट्रोल ज़ीरो, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। मतलब कुछ उस तरह का कंट्रोल्स तो हाइड हो गए हैं लेकिन अभी भी यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, तो काम मतलब पूरा नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। तो फिर हम एपीआई में इसमें देखते हैं कोई, हमें क्या पता, ये तो चले इनकी टर्म्स एंड सर्विस आ गई है। एपीआई में मुमकिन है इस तरह को कोई पैरामीटर हो, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि एपीआई से हमें इस तरह की चीज़ें फिर मिल जाती हैं। पैरामीटर पास होगा ना कहीं पे भी तो हमें कुछ हिंट मिल जाएगा उससे। लोडिंग ए वीडियो प्लेयर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा नहीं तो फिर सर्च कर लेंगे। पहली तो बात ये है ना कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखें आप, मतलब उसको फिर अभी तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं क्विकली देख लूँ, वरना तो आपको ये टाइम टेकिंग मतलब चीज़ है ना। देखता हूँ अगर नहीं मिलती फिर मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स। चलिए एग्जाम्पल, जिस तरह ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने की है इनेबल जी एस ए पी आई, मतलब ऐसे एक हिंट मिल रहा है ना यहाँ पे, ये एक ऑप्शन है। तो कुछ चीज़ें फिर ये खुद डिसेबल भी कर देते हैं क्योंकि ये भी तो चाहते हैं कि इनका प्लेटफॉर्म विजिबल हो। अच्छा, इस कोड को अगर हम कॉपी करके चेक करें, बज़ाहिर तो कोई रेलेवेंट नहीं लग रहा है लेकिन इसको मैं कॉपी करके टेस्ट करते हैं। मेरे लिए किसी और चीज़ के लग रहे हैं। चीज नहीं है, बहरहाल देखते हैं। चले हमें इसमें नहीं मिला है, मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, तो उससे मुझे कम से कम पता लग जाएगा कि ये कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। एक तो यही हुआ है, दूसरा वर्जन ये भी नहीं हमारे काम का, ये भी नहीं, नहीं इसमें नहीं है इसका मतलब है। तो यहाँ पे देखते हैं डेमो, इसका भी नहीं। हमें भी इसका एलिमेंट इसको वो चेक करें, इंस्पेक्ट करके देख लें। नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना ये उसको यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन मार्क या कुछ भी डाला है ना तो ये उसको एक पॉइंट उसके लिए एक होता है क्योंकि ये उनके सर्वर से ही लोड होनी है ना, ये तो बात हमें कंफर्म पता है कि सर्वर तो नहीं के इस्तेमाल हो रहे हैं। जी, तो थोड़ा सा तो चले ये उससे तो ये बेहतर ही है लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सा इनका ये लिखा हुआ आ रहा है तो पता
पूरे मतलब वो नहीं मज़े की चीज़, लेकिन मैं अभी देखता हूँ मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा जैसा देखिए ये ऑटो प्ले तो खैर कंट्रोल्स डिसेबल, अब ये चीज़ कुछ काम की लग रही है तो इसके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा ब्रांडिंग देखिए यहाँ पे इन्होंने कर दी है, ख़त्म किया है, तो इसमें देखते हैं मतलब एक कंट्रोल्स को ख़त्म करें और एक ये ब्रांडिंग वाली चीज़ करें तो ये ऑलमोस्ट हमारी वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो इसमें देखें यहाँ पे ये चीज़ कॉपी किया है, और ये पेयर्स में होते हैं नाम इक्वल साइन और आगे वैल्यू, अगर एक और होगी तो फिर एंड साइन के साथ ये इस तरह पेयर्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम ये एग्जांपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करनी है तो एंड साइन डालना पड़ेगा क्योंकि ये पेयर्स हैं इसी तरह ही, ठीक है। जो भी पैरामीटर है उसका नाम इक्वल साइन और वैल्यू, फिर और है तो एंड साइन और, पहले के लिए कि हमने ये शुरू में क्वेश्चन मार्क डालना है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहे हैं पैरामीटर्स, क्यूरी स्ट्रिंग हम इसको बोलते हैं। तो ये देखते हैं बाजार तो लग रहा है ये, हाँ लेकिन यहाँ पे तो ये अभी भी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चलिए अब इसमें डिफरेंस हम देखते हैं डिफरेंस क्या है, अगर उस तरह अगर हुआ है उसमें और इसमें डिफरेंस कुछ तो होना चाहिए। ब्रांडिंग ज़ीरो करनी थी, ये बात हमने नहीं की वैसे। देखिए ये छोटी सी चीज़ है ना, उस वक्त हम जल्दी में नहीं, अभी भी आ रहा है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें फ़र्क देखना चाह रहा हूँ ना कि उसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो उसमें फिर यह कि दो हम ये डाल देते हैं एक में, इसको ये बिल्कुल ही हटा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो शो करेगा, अभी डिफरेंस पता लग जाएगा ना डिफरेंस कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बज़ाहिर हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस कोई नहीं लग रहा है इसमें, इसका मतलब है ये वर्किंग नहीं कर रहे प्रॉपरली जिस तरह इसको करना चाहिए ना, लेकिन फिर वही बात है कि इनके अपने अपने मकासद होते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह इन्होंने ब्रांडिंग दिखाई है तो वो हट गई है यहाँ पे, जो इसमें मैं ये कंट्रोल्स को माइनस करता हूँ तो देखें फिर ऑलमोस्ट कंट्रोल्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनके अपने सर्वर से चल रहे हो तो फिर मसला नहीं है। और यहाँ पे ब्रांडिंग को ज़ीरो ज़ीरो किया और एंड साइन कंट्रोल्स भी ज़ीरो किया, अपडेट किया, ये तो अभी सारे शो हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ें ट्राई करने वाली हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट उन्होंने दे दी हैं, या जिस तरह कलर है कुछ और मतलब रेड कलर से तो एकदम वो यूट्यूब का एक वो साइन या उसका वो पता लगता है ना लिंक, उसकी समझ आती है कि एक कोई लिंक है इसके साथ।
इसको खुद से हम अगर मेंशन करते रहें इक्वल टू जीरो, मतलब फुल स्क्रीन अगर हम नहीं अलाउ करना चाहते। डोंट शो वीडियो एनोटेशन, शो वीडियो 3, डोंट शो वीडियो एनोटेशन। तो अभी चले मैं ये वैल्यूज़ इनको सबको ही दे देता हूँ ताकि मैक्सिमम नज़र आए, क्योंकि फिर मैं 0-0 कर दूंगा वैल्यूज़। स्टार्ट एंड नहीं देना है, अच्छा लैंग्वेज अपनी वो दे सकते हैं इंटरफेस की, ये हमें हमारे लिए एम नहीं है। लिस्ट यूज़र अपलोड डेट ये भी नहीं रेलेवेंट, लिस्ट टाइप लोग पे नहीं करना चाह रहे, ये भी हम ब्रांडिंग चले, इसको मैं अभी देखता हूँ। इसको पेस्ट किया और यहाँ पे ऑलमोस्ट जिधर जिधर ये वैल्यूज आ रही हैं हमने इसको 0 करना है। एक ट्राई वाली बात है, वो कंफर्म हो जाएगा और कुछ हो सकता है पैरामीटर्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ से हटा ही दिए हों, ये भी हो सकता है। और कुछ क्योंकि हमें तो नहीं पता कि क्या क्या पैरामीटर्स पॉसिबली हैं, क्योंकि ये तो उनकी अपनी। आप ये कर रहे हैं, अगर हम ये आप लेदर एच टी एम एल बना करें शायद चल जाए। ये असल में आप जब इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, कि डब्ल्यू सी स्कूल में तो हर चीज सपोर्ट नहीं करता ये। जी, ये बात भी आपकी सही है, वाकई ये बात मैंने भी नहीं सोची, लेकिन चलिए ट्राई ये मैंने करते हैं। किया, मैंने तो प्रॉब्लम आया था इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी, बिल्कुल, ये प्रॉब्लम मैंने भी वैसे वाकई नोट किया हुआ है, तो इसमें तो नहीं हुआ है। चलें इसको हम वही जिस तरह आप कह रहे हैं, एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं डेस्कटॉप पे, test.html, और इसके अंदर हम कोड पेस्ट करते हैं, एक अंदाज़ा हमें हो जाएगा। वाकई ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ये मेरे जहन में नहीं आई, लेकिन चले अभी ट्राई कर लेते हैं। डेस्कटॉप नहीं, बारे इसको भी सर्च करता हूँ मैं, इसको होनी तो चाहिए कोई ना कोई ऑप्शन। आमिर भाई, इसका एक और तरीका ये है कि आप ये तस्वीर बनाए, ये जो वीडियो जो भी है डाउनलोड करके तो बंदा चढ़ा ले, शॉर्टकट तरीका फिर यही है अगर ना बिगाड़ सो सके। किस तरह? मैंने कहा इस वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड करके तो बंदा अपने पास किसी जगह पे सेव करके, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ साइटें देती हैं आपको जगह, मतलब वीडियो, वहां पे सेव आप कह रहे हैं वीडियो ही डाउनलोड कर लें हैं? कर। सही है। नहीं मतलब जो करना ही है तो कुछ जान तो छुड़ानी है ना किसी तरीके से। हाँ, वो तो सोल्यूशन है ही है, आप डाउनलोड करें, फिर तो उनका कंट्रोल कुछ रह ही नहीं सकता ना, फिर फिर तुम तो आप सीधा बोला तो अपनी ऑल इन ऑल हो मर्जी गया कर ना। चला लेकिन कभी होता है ना ले कि ना। कभी होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि आप उन्हीं का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपने ऑलमोस्ट लिंक्स कॉपी पेस्ट करने होते हैं,
यस तो यस फिर आपके लिए मुसीबत है ना कि आप पहले डाउनलोड करें और अगर बिलफर्ज वो जीबीज में है नहीं तो जीबी में तो साइज नहीं होता जी, नहीं, क्यों नहीं मतलब हो सकती? हाँ हो तो सकती है, श्योर नो डाउट। बिल्कुल हो सकती है। तो इसको मैंने चले सर्च किया है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी तो इसको हवा भी नहीं लग रही, तो एक हमने चीज़ पहले इस्तेमाल की थी वहाँ पे भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कंट्रोल्स के नाम से मेरे ख्याल एक चीज़ थी, कंट्रोल्स, इसमें तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कंट्रोल्स के नाम से गालबन थी। पता नहीं यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही, कंट्रोल 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 ऑटो प्ले, मेरे ख्याल सारी चीज़ें इसने नहीं किया है। हालांकि टिक लगा हुआ है तो मतलब ये तो हट जाना चाहिए था ना ऑटोमेटिकली। कंट्रोल्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड साइन ऑटो प्ले, हम चाह रहे हैं कि ये हो जाए। अच्छा, टाइटल बार भी आ रही है या टाइटल बार हट गई है? टाइटल बार भी ऊपर आ रही है। चले, एक तो सवाल ये है कि टाइटल बार किस तरह हटानी है। ये आपके पास आते भाई आवाज़ आ रही है या मेरे पास से किधर आ रही है? हाउ टू हाइड टाइटल बार कंट्रोल्स, और अच्छा एक तो आर ई एल ज़ीरो। अब देखें ये पैरामीटर्स वहाँ पे ये भी अच्छा पैरामीटर है, हाँ, ये रिलेशन देखिए जीरो शो इन्फो ज़ीरो। अब देखें ये चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पर ऐसे इनके बेहतरीन। जी इस तरह के पैरामीटर्स हैं, मुझे पता है ये बात, मैंने और इसको ना आप वो जो अपना टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं ना, जो आप टेक्स्ट बना रहे हैं जी उसमें आप वो शेयर कर देंगे, जैसे वो आप लिंक चढ़ाते हैं तो नीचे वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसमें भी लिखिएगा कहानी, बड़े ज़बरदस्त है खबर। लेकिन उन्होंने काम किया नहीं ऊपर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। या तो सिर्फ यही मैं अगर शामिल करूं तो पता लग जाएगा। आरईएल वेलकम जीरो टू जो दिस वीक्स काम शो हुई ऑफ था, यूट्यूब डेवलपर्स लाइव। आरईएल जीरो पर, जी मैंने कहा वो बाकी मैं हटा दूं ताकि आरईएल जीरो पर ट्राई करें, आई थिंक हो जाएगा। मेरे ख्याल इसके लिए टाइटल को हाइड करने के लिए यूज़र इन्फो का था, लेकिन ये देखें बज़ाहिर तो अब ये नज़र नहीं आ रहा कि ये काम कर रहा है, बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। ये बस दूसरे अपने वाले में ट्राई करके देखें, जो आपके अपना बनाया हुआ जो रिकॉर्ड है उसमें ट्राई करें। जी उसमें फाइल में कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। एक और भी बात हो सकती है ना, हम इनकी वीडियो पे कर रहे हैं तो शायद इस वजह से ये इशू ना हो। मैं एक मिनट अपनी किसी वीडियो पे ना चेक करता हूँ, गलती की है उसको बंद कर दिया जो पहले ओपन की हुई थी ना। उसका कोड है,
पहले भी नहीं, तो इस फाइल में करके देखते हैं। नहीं आते भाई, ये काम नहीं करी, लेकिन बहरहाल ट्राई करते हैं। चीज़ें बहरहाल इस तरह की हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और मैं बल्कि इसी को अगर कॉपी करके देखता हूँ। ये ठीक हो गया अभी, ये काफी सही है। बाकी नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि ये अच्छा, ये जो वीडियो है ये तो चल ही नहीं रही मेरे ख्याल है, क्योंकि ये तो आई नहीं है इसमें नज़र। अच्छा, हियर इज़ द कंपैरिजन डिफॉल्ट वीडियो, और अच्छा कंट्रोल्स हट गए हैं, ये तो चलें ठीक है। और लेकिन ये 2015 की लगभग टाइम की है, तो अभी तो शायद ये फंक्शनल ना ही हो। तो मैं फिर अमूमन ये करता होता हूँ, जो सर्च करूँ ना उसमें अमूमन ये टूल्स में करके ना पास्ट ईयर ये सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर थोड़ा सा मुझे रीसेंट जेन में आ रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियोस मिल रही हैं, तो अच्छा यहाँ पे इसने भी कोई मेंशन किया है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दें। कंट्रोल शो ज़ीरो, क्योंकि ये मुझे याद है कि ये उसके लिए ज़ीरो करते हैं। मैंने ट्राइड नो लॉन्गर वर्कड अपॉन फर्दर रिसर्च, आई फाउंड दैट द एबिलिटी टू हाइड व्हाट यू हैज़ बीन रिमूव्ड सी। अच्छा अब देखें, ये पहले थी। बहरहाल देखें, प्लेटफॉर्म उनका है, वो जो चाहे करें, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि लोग इस चीज़ को मिस यूज़ कर रहे हैं। बात जी, तो फिर ऑटोमेटिकली है, जी बिल्कुल, वो तो अब उनकी अपनी चीज़ है, जो मर्ज़ी करें उसके साथ। हमारा कंट्रोल यानी उसके ऊपर नहीं है ना, क्योंकि वीडियोस बहरहाल लोड उधर से ही होनी है। लोग फिर हैक्स ट्रिक्स फिर भी ट्राई करते रहते हैं। इसमें कोई गलती हमसे हुई है, ये नज़र ही नहीं आ रही। दूसरी दो वीडियोस नज़र आनी चाहिए ना, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। इसमें क्या गलती है, साइज है, सोर्स दिया हुआ है, और सोर्स ठीक दिया हुआ है, फ्रेम सेट लाओ। अच्छा बहरहाल बाजार यही लग रहा है कि उन्होंने सपोर्ट ख़त्म किया है, तो ख़त्म। अच्छा ये देखिए, आप ये एक और ट्रिक सी बता रहे हैं, बेस्ट वे नहीं है लेकिन चले। एक मैंने बताया इस तरह की ट्रिक्स और हैक्स तो मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं ये किस हद तक काम करता है। तो चलें ऊपर से उसको तो हटा दिया, लेकिन ये फिर भी मौजूद है। कंट्रोल्स भी चलें हट गए हैं, कंट्रोल्स तो वैसे भी हट रहे थे ना। ये चीज़ तो ब्रांडिंग वाला मसला था ना। चलें थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे सो फिक्स इज अ सैंपल रैप टम टम, ये भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है। बहरहाल ये सारे जो है, हमने इसको टाइटल को हाइड करने के किए हैं, यूट्यूब प्लेयर टाइटल हाइड, तो हाइड टाइटल इसको हम करते हैं। आपने लोगो ऐड किया था जी, इसमें। प्लेयर हाइड लोगो, यूट्यूब लोगो, यूट्यूब जी वो लोगो एंड टाइटल, लोगो का कंसर्न देखिए है। सर्च में जब आपकी ये चीज़ें आती हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि लोग इसको इस चीज को कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं, तभी वो सजेशन में भी आती है ना।
अच्छा, ये तो आप काम नहीं कर रहा ना, ये जिस तरह इन्होंने बताया, इसलिए जो है टाइटल चैनल लोगो बॉटम राइट, नहीं यहाँ पे तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन नहीं दिया गया, ये वैसे वैसे ही कुछ लिखा, या लिंक है तो फिर लिंक इसको ओपन कर लेते हैं। लिंक भी नहीं है, मैं समझ रहा था लिंक है शायद, तो यहाँ से कुछ मिल जाएगा। इसको जवाब ही नहीं मिला बेचारे को। इज फॉलोइंग ऑन टेकन फ्रॉम हेयर, अच्छा दिस कोड स्टिल शोज प्ले कंट्रोल व्हेन लोडिंग फॉर 2 सेकंड। फॉलोइंग द डॉक्स, डॉक्स तो अब फिर ख़त्म हो गई है ना। चलें इस पे आते भाई, मैं ये अभी जो ओपन कर लिया है इनको देख के फिर इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये जिस तरह एक्सपेक्टेड थी उस तरह काम नहीं कर रही, ये कोई हैक इन्होंने निकाला है हाइड करने का, जी लेकिन ये भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जी चल, अगर भी मतलब ये आइडिया हो गया, किसी ने ढूंढा होगा आपने ये आइडिया, कि मैं इससे बड़ा खुश हुआ हूँ कि आपने आइडिया दे देते हैं कि यार इसको खुद भी कर सकते हैं हम, मतलब हमें आइडिया दे दिया ना मैंने हमें, वैसे तो नहीं, कोई असल में नहीं मैंने ये किया हुआ था पहले, मुझे पता है ना मैंने किया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे पता है एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी जिस तरह वो मेंशन किया उन्होंने कि ये ख़त्म कर दिया सपोर्ट इसकी ना, पहले मौजूद थी। ये बहुत फायदा भी है। ये कई और किसी और प्लेटफॉर्म से मतलब लेता है ना, तो वहां में चलो इन्होंने तो बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अगर ढीला हुआ तो उसकी वीडियो तो हम यूज कर डायरेक्ट यूज कर देंगे। अच्छा ये गालबन वही लिंक है जो हमारे पास पहले भी ओपन था शायद। चले फिर इसको अभी हम स्किप करते हैं, ओके आगे ओके नेक्स्ट जाते हैं यूट्यूब, मतलब ये यूट्यूब मीडिया वाला ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। ये थोड़े से बीच में जियो लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरेस्टिंग है, वेब स्टोरेज जिस तरह आपकी डेटाबेस है वो आप ऑलमोस्ट ब्राउज़र के अंदर ही इस तरह के काम कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन टाइप आप चीज़ बना सकते हैं विदाउट माई एस क्यू एल डेटाबेस। तो ऑटो प्ले के लिए जिस तरह ये ऑटो प्ले 1 है, म्यूट के लिए 1 है, तो म्यूट वाला बैरल देखते हैं म्यूट। अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट इसने किया है, वाकई ऑटो प्ले भी हो जाए और म्यूट भी, क्योंकि बाद लोग पसंद नहीं करते ना, जिस तरह फेसबुक पे मैंने देखा है वो वीडियो प्ले करते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो म्यूट रखते हैं उसकी आवाज़, फिर आपने अगर ऊपर आवाज होती है ना। जी खुद से फिर उसको हाई करनी पड़ती है ना, तो ये बहरहाल अच्छी चीज़ है। जी, और लूप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में कि लूप अगर आप इसका लूप रख दें, वो फिर वो खैर उसमें दूसरे में थी, वो वीडियो के टैग में थी, तो यहाँ पे भी लूप वाली ऑप्शन है, तो आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बनाई है यूट्यूब पे अपलोड की है तो फिर लूप उसका बंद कर दें ताकि वो मुसलसल चलती रहे, तो आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाए, और ऑटो प्ले भी फिर इसका बंद रखें ताकि वो ऑटोमेटिकली प्ले भी हो, और जिस तरह यहाँ पे ऊपर चीज़ें थी ये दोनों भी शामिल हम कर दें साथ, ऑटो प्ले भी हो और म्यूट भी हो। अगर मतलब आपके सिर्फ विजुअली काम लेना है, एंड साइन लगेगा तो पैटर्न यही है प्रेजेंटेशन बनेगी। जी, प्रॉपर्टी इक्वल वैल्यू, ये तो ये जी ये बिल्कुल प्ले हो रही है। आवाज भी नहीं आ रही। जी ये वो खुद ही बंद किया, जी कंट्रोल्स को जीरो कर सकते हैं और सारी चीज़ों को हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये वो जिस तरह हम चाह रहे थे वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन और प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस तरह की सर्विस देते हैं, गालबन वीमियो एक साइट है इसकी वीडियोस की, उसके इस तरह के पैरामीटर्स हैं, कुछ स्टिल जो वीडियो साइट्स हैं वो सपोर्ट करती हैं इस तरह के पैरामीटर्स, यानी आप
प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये आपकी सर्वर से ही लोड हो रही है, कुछ अभी भी हैं वीमियो के अंदर ही शायद इस तरह की ऑप्शन है। वो फिर वही बात है, जैसे फिर उसके लिए सर खपाना पड़ेगा देखने के लिए। चलो यार YouTube को इधर दे देते यार, कोई मसला नहीं। नहीं, इसमें ये फिर जेन में रहा, मैं इसमें खुद सर्च आउट करूँगा और फिर इसका सोल्यूशन हम ये मेंशन कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमने ये क्लियर कर दिया है। फिर मैं अभी एक और मूव करते हैं, हम अपना अटेंशन जो है ना वो मूव करते हैं आगे। ये यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है, तो इसको मैं इसका लिंक भी लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट इसमें मुझे फिर ये आसानी होगी कि हमने ये कहाँ तक किया है काम। नेक्स्ट हमने इधर से स्टार्ट करना होगा इससे नेक्स्ट। तो अभी एक चीज़ मैं, एक प्रोजेक्ट जो ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स पॉइंट ऑफ सेल, उसके हवाले से एक चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा था, बल्कि मैंने उस पर कुछ काम करने का इरादा किया है। तो मैंने सोचा है कि उस पे मैं, टाइम हमारा अभी हो गया है तकरीबन 1:36, 1:37 या 1:36 कह लें, चले 1 घंटा, टाइम जो हमारा भी 12 एक 12 बज 11 मिनट हो रहा। छत्तीस और 00। नहीं, मैं वो दूसरा टाइम नोट कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक इस पे हम जो लिख रहे हैं उसका टाइम। अच्छा, ये 0 और वो बिल्कुल ही मिलते जुलते ही हैं यहाँ पे अभी जो नज़र आ रहा है। तो इसके हवाले से मैं एक चीज़ करना चाह रहा था कि डेवलपमेंट के हवाले से एक मैं इसमें करना चाह रहा था। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एक मैंने इशू एक क्रिएट किया है इसमें, तो इस पे थोड़ी सी डेवलपमेंट का काम करने का इरादा है। और इरादा भी यही है कि इसी प्लेटफॉर्म को मैं, ये जो हमारा ये फ्री वेब डेवलपमेंट का ये सेशन है, इसी को इस्तेमाल करते हुए इस पे काम करूँ। तो यहाँ पे इश्यूज़ और लोगों ने भी ऐड किए हुए हैं, तो एक इशू मैंने भी ऐड किया है ये चंद दिन पहले, डैशबोर्ड। हमें भी इसके लिए कोई बंदा भी कर सकता है या मैं, मतलब जैसे मेरा बना हुआ गेट गेट ऐप में जी मेरा बना, मैं भी इशू डाल सकता हूँ ना, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, आप इसमें इशू डालें ना। देखें, ये जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर वेबसाइट है, ईमेल मेंशन है, फॉरम्स अक्सर बने होते हैं, तो उनका यही मकसद होता है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट करें। आप मतलब ये कि सपोर्ट इनकी वो वही बात, उस तरह नहीं है कि फ़ौरन क्विकली आपकी हो जाए, या जो चीज़ आप कहें वो लाज़मी नहीं है कि वो उसी वक्त कर ही दें, मतलब यार डिपेंड जो करता, फ्री है जो फ्री हो। डिपेंड करता। तो आपको थोड़ा सा मैं ये फ़्लो समझाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने, क्योंकि पहले काम किया था चंद साल पहले, अभी मुझे इसमें इसको सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि ये जब ओपन होता है तो उसमें लिंक्स आते हैं, तो वो डैशबोर्ड नहीं आता। तो ये इनकी जब नया आप इशू ऐड करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको इसका फ़्लो समझा देता हूँ। अगर आप कोई कोई भी प्रोजेक्ट पे आपने इसी तरह गिट हब पे या कोई और ओपन सोर्स आपने क्रिएट करते हैं, तो एक तो ये आप लॉग्ड इन हो, जिस तरह के मैं लॉग्ड इन हूँ, तो न्यू इशू पे क्लिक करता हूँ। अभी ऐड मैंने करना नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ समझाना हाँ चाह रहा यार, हूँ कि हर एक ने अपनी एक लेआउट बनाई होती है, तो इन्होंने भी एक लेआउट अपनी बनाई है। तो बेसिकली करना क्या है कि इसमें ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन है ये हटा देते हैं, जिस तरह मैंने अपने केस में किया है। तो यहाँ पे मसलन कि रिपोर्टिंग इशू ऑफ अनमोडिफाइड, मतलब ये अपनी उनकी चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है। तो इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो यहाँ पे टिक लिखा हुआ आ गया, नज़र आ रहा है, ठीक है जी। जिस तरह के यहाँ पे मैंने जब इसको पोस्ट पब्लिश किया था, तो इस तरह, क्योंकि इसको मैंने अभी पब्लिश नहीं करना क्योंकि तो वैसे डमी मैं बना रहा हूँ। तो ये आपके इसी तरह पॉइंट्स जो हैं वो, या कैपिटल एक्स लिखूँ उसमें, वो नीला वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे शायद वहाँ वहीं पे नीला ही आएगा। तो फिर इसी तरह देखें, यहाँ पे आप टिक लगाते हैं जो जो चीज़ें आपने की हैं उनका। बेसिकली मकसद ये है कि आप उसकी सर्चिंग वगैरह करके, ऐसे नहीं है कि ये दोबारा रिपोर्ट तो नहीं कर रहे इशू। तो ये सारी चीज़ें जैसे जिस जिस प्रोजेक्ट की, हो सकता है कोई और प्रोजेक्ट हो उसका प्रोसीजर और हो, तो इसका ऐसे ही है।
तो आप ये टिक लगाने हैं आपने, और ये लिंक्स जो दिए हैं मैं इनको स्टडी करके। अच्छा, फिर दूसरी आ जाती है कि आप इसका वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी वर्जन 3 चल रहा है, आप वर्जन 2 का कोई इशू रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आप वर्जन 2 लिखेंगे, उसमें फिर इनको आसानी होगी। और हैश जो उसका है, वो जो आप अपने होस्ट, आपका जो सिस्टम है उस पर PHP, MySQL, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, वेब सर्वर कौन सा यूज़ करें, ये सारी चीज़ें, मतलब एक लिहाज से इनका मकसद ये है कि उनको पता लग जाए कि आप इशू सर्च कर चुके हैं, और दूसरी चीज़ कि आप अभी आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्या है। फिर यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसको हटा दें, मसलन न्यू फीचर आप ऐड करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें आप हटा दें, क्वेश्चन है तो उसको रहने दें मसलन, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, तो ये एक आपका पूरा एक इशू आपका हो जाएगा। आप इसको व्यू भी करें, प्रीव्यू, और फिर आप इसको पोस्ट पब्लिश करें। तो इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ। तो मैंने जिस तरह के ये बनाया है, तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये वर्क फ्लो थोड़ा सा समझ आए। अगर कोई बंदा इस पे करना चाहता है, गिटहब पे काम, किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, तो ये चीज़ें उसको मदद देंगी। तो ये जिस तरह के मैंने एक इशू क्रिएट किया है, चीज़ें ये मेंशन की हैं, और मैं मतलब ये अपना न्यू फीचर जिस तरह यहाँ पे मेंशन किया है कि आप डैशबोर्ड नहीं है तो किसी ने इस पे काम किया है, इस तरह का डैशबोर्ड हो, तो इस पे मुख्तलिफ बंदे देखे काम कर रहे हैं। और इसमें मेन एक ये जो बंदा है, JEKKOS, ये एक मेजर इसका मेंबर है ये, बल्कि आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट को आपने देखना है तो यहाँ पे आए, और मेन जो रिपोजिटरी यूज़र है उसका, ये तो मेन प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ पे मुझे नहीं पता इधर मेंबर्स किधर मेंशन है, लेकिन वहाँ पे मेंशन हुए हुए, जिस तरह यहाँ पे देखें एक ऊपर आ रही है, पीपल्स की आ रही है, टैब आ रही है, तो यहाँ पे देखें उसका नाम भी आ रहा है, बाकी और लोग बीच में भी हैं, तो ये इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है। और दूसरी आप बात ये नोट करें कि यहाँ पे जब मैं एरो लेके आता हूँ तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरी मेरी इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन है। आप, हो सकता है आपका यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ रहा हो, मुझे अब नहीं अंदाज़ा आता। भी आप ऑनलाइन हैं? हाँ हेलो आतिफ भाई, ऑनलाइन हैं आप? जी, मैं इधर ही हूँ। अच्छा, आप फिर एक चीज़ करते हैं, इस लिंक को ना, मैंने ये इसके कमेंट सेक्शन में मैं लिंक ये पेस्ट करता हूँ, इसको चेक करें, ये आपके पास ओपन होता है तो यहाँ पे आपका क्या लिखवाता है। भाई, और उस पर पेश कर कुछ। जिस तरह मेरा यहाँ पे ये कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ आ रहा है आपने ना, भेजा अभी किधर चला गया? जिधर ये पीपल्स लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके साथ चैट एक टैब आ रही होगी, चैट पे क्लिक करेंगे ना जी, तो जी, चैट पे। जी, ये इधर लिंक आ रहा है, इस लिंक को ओपन कर लें आप। आपने ओपन हो गया लिंक? मैं भी कर लूँ। अच्छा, तो उसमें बस एक ये चारों के, और फिर इसी तरह देखें ये, इस ये जो भाई साहब हैं इनका यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं अपने दिखाऊँ, जी, स्क्रीन दिखाऊँ अपनी, कंट्रीब्यूटर बेशक शेयर कर दें में आपका नाम आ रहा है, कंट्रीब्यूटर में आपका। जी। असल में वो मैं समझ रहा था कि वो आपने भी कुछ कमेंट ऐड किए हैं, वो ऐड किए होंगे तो तब नज़र आएगा। बहरहाल, आप इसमें दिखाएं, अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो कर दें। आपको देखना है, देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। नहीं, वो मेरा तो आएगा, मैं समझ गया हूँ बात। मैं समझ रहा था कि आपका भी अगर कोई वहाँ पे कमेंट होता ना, तो वो तब आपका स्टेटस शो कर रहा होता ना कि आपके इस प्रोजेक्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये चीज़ तो तब अभी होती। कर देते हैं सर, मेरे तरह देर लगेगी। इशू डाला है ना? नहीं, कमेंट कमेंट कोई आप ऐड करें तो फिर वो पता लग जाएगा ना, या मे बी आप ऐड कर दें जी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस समथिंग, कुछ भी। मैं इसमें लिखता हूँ, हाउ कैन आई पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। हाँ, ये लिख दें, आपने शेयर कर दिया स्क्रीन।
स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है सर। अच्छा, मैं फिर अभी शायद उस पर नहीं गया हूँ। मैंने असल में वो पिन जो किया ना, उसकी वजह से पिन मेरे ख्याल है हटानी पड़ेगी। तो सही आपकी आभार है, वो मैंने पहले पिन की हुई थी उस वजह से। ये मैं इसमें डालता हूँ ना, वो किधर डाल लेकिन दूँ जी? तीन नहीं, आप इसमें इशू, तीन इसमें इशू अभी स्क्रॉल करें थोड़ा सा स्क्रॉल। नहीं, न्यू इशू ना ऐड भी नहीं करें। उठा। नहीं, न्यू इशू ऐड ना करें। आप उसके जो इशू मैंने क्रिएट किया उसके कमेंट में आप लिखें अच्छा जी, मैं करता हूँ जी। कुछ भी, मतलब लिख दें। बेसिकली मकसद ये है कि आपका वहाँ पे क्या स्टेटस वो लिखवाता है। इसमें मैं कैसे आया, अपने कंप्यूटर कैसे ऐड करूंगा, या मैं कहाँ अब पे जाके करूंगा? स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, मैं बताता हूँ। स्क्रॉल करें, ये कोड रिप्लाई ये तो नहीं है, कोड नहीं, रिप्लाई कोट नहीं करने की ज़रूरत। स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें, एंड पे जाएं, बिल्कुल एंड पे जाएं। वहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, कमेंट कमेंट बॉक्स आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पे आप दिस कुछ, वन। ये लीव ए कमेंट, यहाँ पे आप कुछ लिखें, मसलन समथिंग, कुछ भी। आप मुझे बता दें मैं क्या ऐड करूं फिलहाल के लिए। अच्छा मतलब आप लिख दें, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। इशू लिख दें, मतलब वैसे तो आप इंटरेस्टेड हैं ही हैं उसमें, लेकिन आप वैसे ये जो इशू मैंने लिखा है ना, डैशबोर्ड होना चाहिए वो एक लिहाज से इसमें। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डैशबोर्ड, ये लिख दें, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डैशबोर्ड। ये बाकी उठा दें, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डैशबोर्ड। सही है, बस इसको आप बेशक कमेंट कर दें। वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपका भी कंट्रीब्यूटर लिखा हुआ आएगा या स्टेटस क्या आएगा, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा श्योर नहीं था। नीचे नीचे जाएं फिर जी। मुझे शौक रहेगा क्या आएगा। जी करेगा ना, आप रीलोड करें तो यहाँ पे आना चाहिए कुछ, बिल्कुल बॉटम पे आए, आपका कमेंट उधर नीचे ही आ रहा होगा। नहीं, आपका यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा अभी। चले, मैं इसको एटलीस्ट वो लाइक लाइक कर देता हूँ। दिल बना दिया, दिल। क्या बात तो आते भाई, बस चले, ये आपके साथ भी और बाकी भी जो वीडियो बाद में देखेंगे उनके साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ कि इरादा है कि इस इशू पे डेवलपमेंट करूँ, और इसी तरह लाइव ये सेशन रिकॉर्ड हो, और जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो इसमें थोड़ा सा वही बात है, लर्निंग लर्निंग एक एक्टिविटी हो जाएगी जो अगर भी नए। मैंने थोड़ा सा काम किया, ऐसे मैंने हल्का सा बोल का काम किया है इसमें। अच्छा सही है, कोई एडिटिंग शेडिटिंग की है आपने? लास्ट सेशन रिकॉर्डिंग देख ली थी? जी, वो तो मैं पूरी क्लास आपके साथ था। जी, अच्छा। उसमें यह है कि वो ऑलमोस्ट आपको उस तरह फ्लो तो समझ आ जाना चाहिए, लेकिन इनकी कुछ अपनी स्पेसिफिक चीज़ें भी हैं, तो जी, वो फिर जारी बात है, टाइम लगेगा, ऐसे एकदम तो समझ नहीं आएंगी। हमें भी वो बस बंदा करता रहना जी, कम से कम कुछ ना कुछ तो करता था ना। जी, तो मैंने अभी तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसमें किया था। जी दिखाएं। एक अच्छा, एक मुझे बात खोलता बताएं, अगर जो हमारे वीडियो लोग देखते हैं और वो अपने पास इधर विंडोज़ पे इसको सेटअप करना चाहते हैं, तो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, या आप उनको कोई चार्जेस लेके हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या सूरत बन सकती है? कैसे सर? मतलब कोई अगर विंडोज़ पे सेटअप करना चाहता है जो हमारी वीडियो देखते हैं, या कोई क्लाइंट्स में से कोई विंडोज़ पे करना चाहता है, तो कैसे, मतलब आप उसको हेल्प आउट करेंगे या उसको चार्जेस लेके करेंगे, कैसे कोई प्रोसेस इस तरह का ज़हन में है आपके? अभी भी मैं तो सॉफ्टवेयर का फिलहाल काम कर रहा हूँ, मेरा तो वेरी गुड ट्रेनिंग का तो मैंने भी प्लान नहीं किया। अच्छा, बाकी ये कि सॉफ्टवेयर ही है। आप बताए कि ये जैसे आप कर रहे हैं एक है, उसमें ये एक ओवरव्यू दिया जाए क्या है, बाकी वो मेन काम है आपको पता है, मैंने भी काफी टाइम दिया है, और फिर उसमें भी ये है कि वो सीखने वाली चीज है,
और आपको पता ही वो फिर उसके अंदर एडिटिंग ये वो। सही है। तो एक क्लाइंट को अगर मैं वो बता देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है तो वो बताने भी हर्ज नहीं है, लेकिन मसला ये है कि एक बंदे को या तो काम आता है ना पहले सारा, जी उसको फिर बताते हैं अच्छा लगता है यार ये काम कर इसको करना चाहिए। अदभी, इसमें हमारे पास ये जो अगर वीडियोस हमारी देखेंगे ना, तो ये कम्युनिटी ज़्यादा इम्कान ये है कि यहाँ पे देखेंगे जो डेवलपर कम्युनिटी है ना, उस टाइप के लोग देखेंगे, और जो बिज़नेस जी कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। यानी जी आप जी अगर एक्सप्लेन भी करते हैं ना, तो वो मुश्किल ही है उनको कुछ समझ आए। आमिर तो भाई मुझे खुद अभी भी मुझे अगर आप कहें ना वो कैसे करना है ना, मैं भी नहीं करता, मेरे पास भी वो टेक्निक लिखी हुई है कुछ मैंने किए हुए, वो मैं करता हूँ तो फिर मेरा हो जाता है, सही लेकिन है 100% मतलब आपको पता है जी, कि एक चीज बार बार करूंगा तो फिर मेरे हाथ में बैठेगी ना। सही है। चले आते भाई, मेरा मेरा मकसद ये है कि इसकी डेवलपमेंट मतलब मैं खुद करूंगा, लाइव ये हमारी स्ट्रीमिंग होगी, आप शामिल हो, 10-20 और बंदे हमारे पाकिस्तान से शामिल हो, तो इससे हम फ़ायदा भी उठाएंगे और इससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। जी आमिर भाई नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ये आमिर भाई अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जो प्रोग्रामर्स की हद तक जो है ना मतलब अगर हम जो करते हैं या उस जैसे प्लेटफॉर्म बनाया जाता है प्रोग्रामर्स का तो आपस में शेयरिंग करना, यहाँ तक तो आमिर भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं लोकल लेवल पे ये चीजें नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं नहीं समझता हूँ ये टेक्निकली नहीं नहीं आपको। आप नहीं समझे, मुझे यहीं तक मकसद था। यानी जिस तरह हमारा ये इसमें व्हाट्सएप में ग्रुप है, तो हो सकता है कोई डेवलपर जो सेटअप कर रहा है उसको इशू आ रहा है, तो वो कहता है जी किसी ने किया है मुझे बताया। मतलब मुझसे अगर कोई पूछेगा लिनक्स में आपने कैसे किया, तो मैं ठीक है बता सकता हूँ जी मैंने ये चीज़ इंस्टॉल किया है, ये आप चेक कर लें जी, लैम्प सर्वर किस तरह बनाते हैं, इसमें जो डेटाबेस का इशू आता है उसको किस तरह फिक्स करते हैं, मतलब इस तरह की गाइडेंस मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी को इशू आता है इन फ्यूचर, कोई हो सकता है जी कि जी मैंने तो सेटअप किया है विंडोज़ में, तो वो DLL का इशू दे रहा है, क्योंकि इस तरह के इश्यूज आते हैं कि DLL मिसिंग है, मतलब एक इन इन केस की बात कर रहा हूँ ना, अगर कोई इस तरह का आता है तो आप फिर उसको कर, क्योंकि मैं तो अभी मेरे पास विंडोज़ पे मैंने सेटअप नहीं किया हुआ ना, तो मैं फिर इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ, सही है मुझे इसके लिए फिर विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी या वर्चुअल सर्वर में वर्चुअल बॉक्स में करनी पड़ेगी। उसको फिर देखते हैं कि कैसे मतलब क्या करना है उसका, वो फिर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद लोगों की विंडो करप्ट हो जाती है, वो ये जो जैम सर्वर है वो चलता नहीं है, विंडो दोबारा से करनी पड़ती है, मतलब इस तरह के इश्यूज भी आते हैं, जी जी किसी आमिर भाई किसी भी वजह से ना वो नहीं चलता है, वो कहते हैं। ये देखिए फिर आपको पता है सीनियर प्रोग्रामिंग है विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग है, आपके पास एक पैच बना लें कि आपका जो फोल्डर है वो उसमें बैकअप खुद ही मैनुअल एक मतलब वो खुद ब खुद उसे बैकअप करता रहे आपके किसी और ड्राइव में, ठीक है ना, पैच बना लें कॉपी करता रहे पूरा पूरा फोल्डर कॉपी हो जाए। नहीं, यहाँ पे फोल्डर कॉपी करना तो ज़्यादा अहम है ही नहीं है, इसमें ज़्यादा अहम तो ये डेटाबेस जो है ना, वो उसकी बैकअप लेना अहम है, तो उसके ऑप्शन तो इसके अंदर मौजूद है, वो सेटिंग्स में जाएँ तो बैकअप। सारा का सारा हम कॉपी कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। चलें सही है। बहरहाल आते भाई, मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि इस इशू पे काम करने का इरादा है और ये लाइव स्ट्रीमिंग करके ही करना है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें डेवलपमेंट जो गिटहब में, अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर वो एक लर्निंग प्रोसेस ये भी हो जाएगा, गिटहब रिपॉजिटरी किस तरह हम फोर्क, इसको कहते हैं फोर्किंग हम करते हैं। देखें ये जो रिपॉजिटरी है, यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने फोर्क की हुई है, फिर वो पुल रिक्वेस्ट आती हैं, यानी आप जब कोई डेवलपमेंट कर लेते हैं तो फिर आप इनको कहते हैं जी मैंने चेंजेस कर दी हैं, आपको पसंद है तो ये आप अपनी रिपॉजिटरी में शामिल कर दें। तो देखें यहाँ पे 502 पुल रिक्वेस्ट हैं, ये अप्रूव कर चुके हैं, तो अभी 8 जो हैं ये चल रही हैं, इसमें कुछ इश्यूज होंगे यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए इसमें 66 क्वेश्चंस, मतलब इनको अभी आमिर भाई तक इसको कौन रन कर रहा होगा इसका, ये जो इसको इनका जो चीफ होगा ये जो अभी आप कह रहे हैं ये जो अकाउंट है तो ये कौन होगा इसे, ये मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात, सॉरी जो आपका अकाउंट ये अकाउंट है ओपन सोर्स वाला, ये जो ओपन सोर्स POS वाला जी। OSPF, तो इसका मतलब आपका है उनसे कोई मतलब जान पहचान है थोड़ी बहुत होगी, ये जो कौन बंदे होंगे इसके मालिक जो होंगे या इस अकाउंट का जो मालिक होगा। मतलब उस तरह डायरेक्ट बराह रास्त तो मैं नहीं जानता हूँ, बस इसी हवाले से जानता हूँ, जिस तरह मेरे भी यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट बीच में है, पता नहीं मैं सर्च करूँ तो शायद आ ही जाए, मुझे अब याद नहीं किस मैंने नाम से या कि क्या मैंने चीज़ की थी।
नेविगेशन का मैंने कुछ किया था, पर वो पुरानी बात है। हाँ ये चीज़ है बिल्कुल। ये देखिए ये इन्हांसमेंट उसके उसमें इन्होंने हेड में शामिल की थी, ये 2015 की बात है और ये 12 इस पे कमेंट्स से। तो मेरा ये सारी डिटेल्स एक लिहाज से आपको मिल जाती है ना, क्या क्या प्रोग्रेस हुई आदर है। जी एक फेवर कीजिएगा जरा मुझे मुझे कई दफा मैंने क्वेश्चन करते करते रह गया, आपने नेविगेशन की का लफ्ज इस्तेमाल किया याद आ गया। अमर भी ऐसा कोई तरीका है कि जैसे विंडोज के अंदर तो ऑप्शन ही होता है ना कि जैसे मतलब कंट्रोल एन किया तो न्यू खुल गया, कंट्रोल मतलब के साथ एस किया तो सेव हो गया, तो इसके अंदर पीएचपी में या लाइक मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, मैं कर देखता हूँ। लेकिन मैंने कहा चले आपसे क्वेश्चन करते हैं इस फॉरम के वाले से कि क्या इसकी शॉर्टकट कीज बनाई जा सकती है खुद से इसमें। देखिए शॉर्टकट कीज़ इन्होंने कुछ गलबन बनाई हुई है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल है F6 प्रेस करें तो ये सीधा उस पर जाता है, सेल्स के ऊपर जाता है। वैसे जो मुझे याद पड़ता है पहले ये इस तरह इन्होंने किया हुआ था, अभी का मुझे नहीं पता। F5 या 6 प्रेस करें, नहीं अच्छा नहीं अभी नहीं है। F5 से तो खैर वो रीलोड ही हो जाएगा। मतलब कुछ पहले इन्होंने F6 के साथ कोई की इस तरह की हुई थी। अभी तो ये मेन्यू बार में जा रहा है, मुझे नहीं अभी शायद नहीं होगी। बहरहाल पहले इस तरह की इन्होंने एक बनाई हुई थी कि F6 प्रेस करें तो ये इस पे F6 ही थी गालबन, या कुछ और थी मुझे सही याद भी नहीं आ रहा। F2 भी नहीं, F3 सर्च है, 4 बहरहाल कोई इसमें पहले हुआ हुआ था काम। तो इस तरह की शॉर्टकट कीज़ आप बना सकते हैं। मैं आपके मकसद हमें भी समझ इधर मकसद देखिएगा, मकसद मेरी तरफ समझ देखिएगा, जी ये देखिएगा मैंने भी आपके वो जो किया हुआ है। जी जी मैं ओपन किया है। हाँ जी आपकी स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है हमें भी ये मैंने वो शायद स्टॉप नहीं की थी तो शायद मेरा ये मिस्टेक है। अब तो आपको नजर आ रही है हमें भी, जी मुझे अभी स्क्रीन आपकी नज़र आ रही है। हमें भी ये मैंने देखे, ये मेरी स्क्रीन थी और ये मैंने इसका थोड़ा सा आपको देखे ये थोड़ा व्यू चेंज किया इसका, ये सेज मैंने बड़े किए हैं थोड़ा सा। अभी तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत पागल करने के रहता है, थोड़ा बहुत करना चाहिए हाँ करना चाहिए, ये इसमें ये चेंज। लर्निंग है इसमें। आप हमें करें, आप प्रेस करें ज़रा F6 प्रेस करें। एक बार हमें भी F6 अगर प्रेस करें तो अच्छा नहीं, एफ सिक्स वो फिर पुरानी बात है जो मेरे जहन में आ रही है ना। तो इसमें आते भाई यही चीज़ है कि आप डेवलपमेंट सीखें पहले, ये आपको HTML CSS JavaScript आती हो, PHP में घुसें, फिर इनके ये कोड इग्निटर सीखें, फिर इनके इधर आप इशू आप बताएं ये इशू है। एन मुमकिन है उनमें से कोई डेवलपर्स में इसमें कोई लोग होते हैं शौकीन, वो शुरू कर देते हैं काम, ठीक है जी वाकई ये चीज़ बहुत अच्छी बता रहा है जी। इस तरह मैंने अभी डैशबोर्ड की सजेशन दी है तो उसने कहा है कि ठीक है ये मतलब नाइस मतलब थिंग है, ये अगर हो जाए तो अच्छा है। हमें भी आपने मेरा ये फ्रंट एंड चेक किया कि मेरा कैसा मैंने बना हुआ है। हाँ जी मैंने ये चीज़ नोट की, आपने आइकन साइज़ कुछ बड़े किए हैं मेरे ख्याल है, ये कुछ मुझे लग रहा है। ये हमें भी इसे शेयर का साइज बड़ा किया है, बाकी के अलाइनमेंट सेट किए तो वो खूबसूरत हो गया। अच्छा आपको पता है इसके अंदर थीम्स पड़ी हुई हैं, उसमें थीम्स तो है जी थीम्स चेक किए हैं ना, मुख्तलिफ थीम्स हैं कोई मेरे ख्याल है 8 के यार, कितने। थीम उस वक्त थीम नहीं लगाया मैंने तो अपना ही वो आप वाली जैसे था उसको लेके मैंने खुद चेंज किया ये नहीं मैं कह रहा हूँ इसकी आपने मैंने। थीम्स थीम्स को इस्तेमाल किया है, पता है आपको कितने हैं थीम्स। अमर भाई मैंने इसमें थीम देखे थे इसमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके थी अच्छा वो ट्राई की थी आपने सारी थीम्स वैसे चेक चेक की हैं। जी मैंने अब काफी टाइम हो गया मुझे याद नहीं है मैंने इसको छेड़ा तो था। अच्छा मतलब उस तरह फिर ये कि आप थीम ही एक नई बना लेना तो वो ज़्यादा फिर अच्छी चीज़ है ना। कि वो मैंने देखा था इसके अंदर जी जी मुझे भी याद नहीं आ बिल्कुल रहा कि मैंने किसको ये देखा। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही जाए ना, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही जाए और यहाँ पे लोकलाइजेशन में जाए हाँ इसमें या जनरल में थी, जनरल में जाए
जनरल में जाएं या इन्फॉर्म, बहरहाल जनरल में जाएं, मेरे ख्याल है जनरल में ही है, या इन्फॉर्मेशन में है, स्क्रॉल करें, थीम उस टॉप पे थी वैसे, और ऊपर जाएं, सेटअप एंड कॉन्फ़िग्स में आए हैं, नहीं बल्कि ये जनरल में जाएं, वो नज़र आ गई है, जनरल में वापस जाएं, ये सबसे ऊपर ही लिखी हुई है, देखें आदि भाई। ये दिखा, ये यटी और ये मैंने हाँ ये देखी थी। ये हाँ मतलब इसमें खैर मैंने भी कोई डेवलपमेंट की नहीं है थीम्स की, लेकिन इसमें कर सकते हैं काम। तो इसमें फर्दर अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं बाहर देखा नहीं कोई, मुझे फ्रंट पे नजर कुछ नहीं आया था, सेव करना पड़ेगा। क्यों नहीं आता है आते भाई, ना करें इसमें सेव करें आप नीचे जाके, सेव किया आपने? मैंने सबमिट किया इसको। लेकिन वो कह रहा है पता नहीं क्या रिक्वायर्ड क्या है, वो कुछ इस तरह के कह रही है, ऊपर मैसेज आ रहा था रिक्वायर्ड समथिंग फील्ड रेड, ये कुछ वैल्यूज दे दें, डिफॉल्ट सेल डिस्काउंट 0 0 से दे रहे हैं, डार्क ही कहते हैं इस, उसमें वो वैल्यू आप दे दें कुछ 1 दे दें, ऊपर जो रेड कलर की आ रही है ना इसमें 1। अच्छा हो गया, मुझे अच्छा अभी आप लॉग आउट करें और फिर लॉग इन करें, ये चीज़ आप मिस कर रहे थे, ये गलती कर रहा था, ये हो गया, लॉग इन करें हो भाई, गया बॉस। यहीं से कुछ आपको वो नज़र आ रहा है। हाँ ये चीज़ अभी तो आते भी, इरादा ऐसे है तो अगर आप चलते हैं या कोई और जो भी वीडियो हमारी देख रहा है इसको हमें फॉलो करना चाहता है तो वेल एंड गुड, तो इरादा यही है कि हम मिलके इस तरह की डेवलपमेंट करें और मिलके अर्निंग करें। जी हाँ भाई, ठीक है मेरे ख्याल है टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं सेशन, फिर जी हाँ भाई, मैं क्लोज करता हूँ, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कुछ, या तो ये मैंने अगर वर्किंग की तो शेयर कर दूंगा यहाँ पे कि क्या वर्किंग हुई है, नहीं तो अगर भी ज़्यादा। क्या जो सेल मैंने लिखा हुआ है जो बड़ा हुआ है सेल जी वाला, जी 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 ये आइकन ही मैंने इसका जो है ना फोटोशॉप में एडिट करके यहीं पे उसकी मैंने उसी तस्वीर को एडिट किया ना, अच्छा बड़ा अच्छा कर अच्छा दिया, अच्छा अच्छा सही है अब सही उसकी है जो पैरा नहीं। हाँ सही है सही है, ज़बरदस्त। ठीक है, मैं स्लाइसिंग किया ना, ये स्लाइसिंग के थ्रू किया ना, कि अच्छा सही है, उसके थ्रू करे तो ज्यादा बेटर ये था कि मैं इसको ज्यादा कोड छेड़ने के बजाय मैंने को फोटोशॉप के थ्रू ही किया, सारा हो गया, अपडेट हो गया, बिल्कुल यस हो गया। ज़बरदस्त। ठीक लेकिन है आपको थोड़ा अच्छा लगा ना जी, कि थोड़ा नया चेंज आया हो ना, मैंने अभी हाँ जी मैंने आइडिया नोटिस स्टाइलिश किया है, बिल्कुल आइकन्स जो हैं वो मैंने नोटिस किए हैं ये, लग रहे हैं। हाँ जी सारे किए हैं आपने अब चंद को किया है? नहीं आमिर भाई, मैंने थोड़ी एडजस्टमेंट की है जी उसकी विड्थ में, और वो इंस्पेक्ट के थ्रू किया था मैं, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले आइडिया है। इंस्पेक्ट के थ्रू मैंने देखा, आपने मुझे आइडिया दिया होता कि किस तरह उसको वेट्स को बढ़ाने से क्या होता है, जो मुझे पसंद आ गया वही वेट्स मैंने जाके उसी भी वो जो फाइल जिसके अंदर काम कर रहा था उसी फाइल में जाके एडिट किया, वेट्स सेट की है, और ये वाला आइकन मुझे मैं चाह रहा था ये बड़ा सिर्फ एक ही बड़ा हो, फिर मैंने कहा यार इसी कोड में लंबा हो जाएगा, मैंने क्या किया फोटोशॉप में जाके इसका साइज जो है बड़ा कर दिया, तो सही है, बड़ा किया तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये बड़ा हो गया, मैंने और रिफ्रेश से भी नहीं होगा, ये Ctrl F5 से होगा, कंट्रोल तो F5 से होगा, बिल्कुल ऐसे ही Ctrl है F5 से, F5 से नहीं कर रहा था ये। वो, क्योंकि कैशिंग हो जाती है ना आपके जो इमेजेस हैं वो कैश्ड हो जाती हैं ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर ही, इसकी स्टोरेज जो भी है, तो जी आमिर वो भाई, कंट्रोल F5 से वो कैशिंग वो ख़त्म करके दोबारा से लोड करता है। तो आते भाई मैंने बैरल देखा है, बहुत से बंदे हमारे पास ग्रुप में भी हैं या वैसे भी लोग सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा जी ठीक है मैंने भी सीखनी है करनी है, मेरी ख्वाहिश लोगों की है कि ये चीज़ें आ जाएं, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकली कदम उठाने हैं वो उसकी तरफ लोग नहीं आते, आमिर भाई ये पहले भी बात हुई थी ये आपसे, सेम अक्सरियत का जब मैंने यही आपको हिसाब है। जून में ज्वाइन किया था ना आपको, जी, आप थोड़ा नोट करें कि आपका मेरे बारे में जो इम्प्रेशन था वो पॉजिटिव नहीं था, लाइक पॉजिटिव समझा दिए थे कि आप भाग, मैं भी शायद भाग जाऊंगा, तो तो मैंने मेरे कहा अगर मुझे भाई मैं मुझे ये काम करता बताएं ही नहीं हूँ आते सब भाई, मुझे छोड़कर, बताएं मुझे बताएं मुझे मैक्सिमम बंदे ऐसे ही मिलें तो फिर मेरा क्या इंप्रेशन होगा नए बंदे के बारे में, यही होगा ना? अगर भाई बस आपको पता है कि जो काम मैंने किए अभी तक वो टिका के किए, छोड़ा कोई भी नहीं है,
तो इंशाल्लाह ये आपको पे बैक करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। आमिर भाई, आप ये इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर मैंने खुद इंस्टॉल कर लिया और इसके ऊपर मुझे कम से कम 3 महीने लगे हैं इसको इंस्टॉल करने में। टेक्निक थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से। अच्छा आप ये देखें कि ये जो इनका बंदे का जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो पहले शुरू में इस तरह करता रहा है कि कहता है कि आप फंड इकट्ठा करें, मतलब $200, $100 या समथिंग, तो मैं ये चीज़ इसमें करूँगा डेवलप। हो सकता है उसने लोकली कर ली हो या उसको आइडिया हो ये हो जाएगी, तो और जो मतलब ओपन सोर्स जो कम्युनिटी ज्वाइन की हुए थे जिन्होंने, यानी सारे डेवलपर जी टाइप ही थे ना जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, ज़्यादातर ऐसे ही होंगे या जिनको जी पता है कि मैं लोकली इसको सेल कर सकता हूँ, तो वो लोग फिर पे करते थे। या अगर कोई आम बिजनेसमैन भी अगर इसको ज्वाइन किया हुआ था, उसको लगता है यार वाकई ये अच्छी चीज़ कह रहा है तो ठीक है हम इसको पे करेंगे, तो फिर वो डेवलप करके नए वर्जन में ऐड कर देता था। तो इस तरह करते करते ये सॉफ्टवेयर इस तरह और बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं, अगर मैं समझ गया। मैं भी अगर ये सेशन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे, चंद बंदे तो इसकी तरफ हो सकता है आ ही जाएँ या इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाहिर बात है आमिर फिर भाई, फ़ायदा उठा सकते बड़ी हैं। बड़ी मोहब्बत वाली बात यह है, इखलाक से भरी, ये मैं कहना चाहूंगा जो 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 एथिक्स में आती है। देखिए अभी आपके साथ मैं, अगर आप ये सेशन ना, आपने एक फ्री सेशन आ गया आज आपके लिए, मैं ये स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हालांकि मुझे आपने नहीं कहा ना गवाया है। मैं एक बात कंसाइज करके बात करता हूँ कि आपने ये फ्री सेशन सिर्फ जुमे के जुमे रखा। आपने कहा यार ये एक तालीम का सदका होना चाहिए, एक एक ये ख्याल वाला काम होना चाहिए, आपने ये किया। मैंने कहा यार मुझे भी आप ज्वाइन, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहते आपने हंस के कहा आ जाए जी भाट साहब, आप भी आ जाए यार। फिर आपने मुझे कहा कि यार लोग टिकते नहीं है, देखते हैं आप कितना करते हैं। मैंने कहा जी आप भगाएंगे, चला जाऊंगा। मुख्तसर ये कि मैंने ये काम किया, आपने ये फ्री काम शुरू किया, उस फ्री काम का ये फायदा हुआ, और कुछ नहीं। तो मैं तो चले काम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कर रहा था, लेकिन मुझे एक शौक पैदा हो गया कि यार नहीं काम करना चाहिए। आज आपको मैं बताऊं कि वो जो सॉफ्टवेयर था ना, जो भी आपने मुझे MD5 के थ्रू मैंने हैंडल किया है, वो पूरा जी सॉफ्टवेयर है जी जी जिसके अंदर पूरा स्कूल मैनेज होता है, बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग किस्म का सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है। वो एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा मेरे हाथ से निकल रहा था, मैं तो छोड़ने लगा था आज। अच्छा मैंने कहा नहीं हुआ ना छोड़ू। आज आपसे इसी सेशन में, ये फ्री सेशन ना आप कर रहे होते, आप मुझे टाइम ना देते और मैं आपसे ना डिस्कस करता, तो वो मैं रह ड्रॉप कर जाए, देता उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल ये तो कहने का चीजें मतलब है कि मैं भी ये फ्री सेशंस, आपने कहा था कि आते भाई क्या करेंगे, मैं भी फ्री सेशंस करूंगा, लेकिन वो मैं देखूंगा ना थोड़ा आप तक पहुंचूंगा कि किस तरह का फ्री सेशन मुझे देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, या वो थोड़े बहुत पैसे जैसे आपने बताया लेने चाहिए, एक बंदे की हेल्प करूं तो मुझे भी कुछ मिले, ये या बिल्कुल उसी को मिल जाए। ये सारा कुछ आप वाली बात है कि मिल के चलेंगे, वो आप वाली बड़ी अच्छी बात है। तो सही कहने का है। मतलब ये कि नॉलेज शेयर करना चाहिए, अगर आप नॉलेज को रोक देते हैं ना, तो ये फिर ये अच्छी बात नहीं है, डक्का नहीं लगाना चाहिए, काम को चलाना चाहिए। हाँ तो भाई ये ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बहुत मजे की बात यही है ना, लोग ये मिल के काम करते हैं और मिल के खाते हैं। यस अभी आपको यस पता है ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट कौन लोग कर रहे हैं? ये ओपन सोर्स है। नहीं ओपन सोर्स है लेकिन डेवलपमेंट कौन कर रहे हैं, जो इसके 1000 के करीब डेवलपर्स हैं या उससे ज़्यादा हैं शायद, वो कौन है पता है आपको? मेरा तो ख्याल है जी कि ये जिन जिनके अपने बिजनेसेस होंगे और उनको ये डर होगा कि यार ये बंदे जो हैं सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आते थे, उन्होंने खुद अपने दूसरे लोगों को ट्रेन कर करके, प्रोग्रामर को सपोर्ट कर करके यहाँ तक ये ले आए, मेरा जो मुझे लगता है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं और वो जी उनकी उनकी ये जॉब ही है, उन्होंने लिनक्स कर्नल की डेवलपमेंट करनी है, ठीक है बात समझ रहे हैं? अब उन जी जी कंपनीज के अपने अपने इंटरेस्ट हैं लिनक्स के साथ। अब देखें जिस तरह गूगल का इंटरेस्ट है वो एंड्रॉयड में यूज़ कर रहा है लिनक्स को, गूगल का इंटरेस्ट है वो इस्तेमाल कर रहा है इसमें क्रोम OS में इस्तेमाल कर रहा है, क्रोम बुक्स जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, यानी अपनी जी प्रोडक्ट्स में वो जी लिनक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तो उनको जाहिर बात है इसमें कुछ स्कोप नज़र आ रहा है, फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी अपने पेड एम्प्लॉयज़ को इस काम पे लगाया हुआ है। ठीक है तो आप अगर ये डेवलपर कम्युनिटी में इन हो जाते हैं तो आपको एन मुमकिन ये बात भी है कि आपको, एक तो मैंने तरीका आपको ये बताया कि यहाँ पे आप एक आइडिया पेश करते हैं जी कि ये OSPOS में मैं एक नई चीज़ ये करके दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं तब करूँगा मुझे अगर इतनी पेमेंट मिले, ठीक है?
ये इन फ्यूचर आप इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि पहले आप अपनी वर्थ शो करें ना, कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कुछ ठीक बताएं कि है यार वाकई मुझे काम भी आता है, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मुझे आता है। आप अपनी वर्थ शो करें, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस दिखाएं, एटलीस्ट अपना नाम उस लिस्ट में तो शामिल करें ना जिन्होंने कुछ पुल रिक्वेस्ट जनरेट किए हैं और कंट्रीब्यूशन किया है, तो फिर इन फ्यूचर ठीक आप कर है सकते हैं। और फिर एन मुमकिन है कि इन्हीं में से कोई बंदा आपको कहे जी ठीक है जी, मैं तो आपको हायर करता हूँ फुल टाइम, आपको अच्छी सैलरी पे करूँगा, तो आप मतलब एक लिहाज से फिर आप जो डेवलपमेंट यहाँ पे करेंगे वो आपकी आपको तो पे कर रही हैं, मतलब वैसे अभी आप जो करेंगे वो फ्री होंगी, लेकिन ये चले आपका एक लर्निंग है और आपको ये प्रोसेस ये रहेगा, लर्निंग वाले बंदे आते रहेंगे, ज़्यादा सीनियर आगे अगली पोस्टों पे जाते रहेंगे, उनको कोई और अच्छी कंपनी, अच्छे कोई पार्टनर्स मिल जाएंगे, वो ये इस तरह प्रोसेस लगा हुआ है और ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है और प्रोडक्ट्स जो हैं ये और रिफाइन होती रहेंगी, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। बेहतरीन है अभी भी तो स्कोप खैर दूसरों का भी है जो क्लोज उन। मेरी जी तरफ से यही था जो आपने किया, और तमाम दोस्त जो सुनेंगे उनको यही कहूंगा कि वो शेयर करें, और जो बंदे काम कर रहे हैं डिश पे रख के ना दें किसी को भी, लेकिन ये कि इज्जत के साथ रहते हुए अपने हिसाब से चलते जाएं। ठीक जी, इंशाल्लाह भी बेफिक्र हैं, यहाँ पे फालतू बंदे नहीं आएंगे, बंदे वही ज्वाइन करेंगे जो वाकई काम करना चाहते हैं, बाकी ये होगा ग्रुप में बंदे आएंगे थोड़ा सा शुक्ल मेला देखेंगे निकल जाएंगे, और बंदे भी इस तरह भी कुछ लोग सेशन ज्वाइन करते हैं लेकिन वो देखते हैं यार नहीं यार ये तो मतलब का काम नहीं हो रहा, ये तो कुछ और ही कहानी लगी हुई है इधर, पता नहीं क्या ये लगे हुए, समझ ही नहीं आ रही। तो बस ठीक है, ऐसे लोग शुगल मेले में बस आते जाते रहेंगे, जिन्होंने काम करना होगा वो रुकेंगे। बेहतरीन हो गया, हमें भी बहुत मजा आया जी, चलें रियली एंजॉयड फिर टुडे, आई इसको। रियली एंजॉयड। आपने भला के काम सेकंड का था, लेकिन वो आपने काफी मेरे 5 मिनट की बजाय 7 मिनट लगाए, मैं नोट कर रहा था, लेकिन आपने कहा बस करीब ही पहुंच गए, फिर आपने कहा डाटा बेस पर आ जाए, मैं डाटा बेस में चला गया, आपने कहा कि ये यूं है, और वो ये सीखने के लिए था। हमें भी इस तरह के मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जाया हो रहे थे, मेरे पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए थे जाया हो रहे थे, वो मेरे पास अब आइडिया आ गया। आपने मुझे पहले भी गाइड किया था कि आप जरूर बनाए, मैं अपनी प्रोडक्ट तो अमर भाई आपको पता है मैं बनाऊंगा तो लाजमी वो मैं बना, तो ठीक है, जबरदस्त। लेकिन ये है कि जो जब तक मैं वो बनेगी नहीं उस टाइम तक मैं भूखा तो नहीं बैठूंगा ना, नहीं नहीं तो जो बने बिल्कुल मैं उनको चलाऊंगा। बिल्कुल, यही मैं तो मैं खुद इसी को इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, मेरी और क्या वजह है। नहीं अपनी प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ ना मैं, फिर ठीक है, वो उससे मैं आपको नहीं रोकता हूँ, वो आप करें, वो आपकी हिम्मत की बात है, मैं तो ये कहता हूँ मैंने हिम्मत नहीं की बनाने की। हमें भी टीम बनाई है ना जी, हमें भी खाली हाथों नहीं चाह रहे हैं, टीम के साथ चाह रहा हूँ। ठीक है, करें जी आप, फिर सेशन ये क्लोज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जनाब नेक्स्ट वीक फिर बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी कोई प्रोग्रेस होगी तो फिर शेयर भी हो जाएगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हमें भी ये तो हमें सॉफ्टवेयर में आप पढ़ाई के लिए तो आप हमारे साथ या सीखने सिखाने के लिए आ जाते हैं, कोई आपसे मिलना हो तो उसके लिए भी हमें कोई तरीका बता दीजिए, वो कैसे मिला करें। मिलने वाली बहुत बुरी रूटीन है जी, अब कई शादियां भी मेरे से मिस हो गई हैं, इसी चक्कर में उठता फिर आमिर आया भी मैं अपनी नहीं। शादी दूसरी अभी नहीं करवा सकता, नहीं तो आपको अपनी शादी भी बुला लेता। नहीं मैं कह रहा हूँ शादियों में शिरकत करने की भी मुश्किल हो रही है कि मैं वो सोने जागने वही की कह रहा हूँ रूटीन। ना, शादी में आजकल जा रहे हैं कश्मीरी जो है खाने के तेज है, तो नहीं रहने जा रहा, दो मैं ये जाकर। कह रहा हूँ नहीं जा रहा, शादियां भी इतनी ऊपर नीचे हो रही हैं, वीकेंड्स में टाइम नहीं मिल रहा, अच्छा चल अल्लाह बात क्या करेंगे। तोड़ आमिर तोड़ भी लगता है नोट छाप रहे हैं, माशाल्लाह फिट है अभी। बस सोते रहते हैं जो टाइम मिलता है, बस आप समझ रहे, नोट छाप रहे हैं, ठीक है, खुश रहें। अल्लाह पाकिस्तानी फरमाए। ठीक है जी, फिर ठीक है जी, क्लोज करते हैं इसको और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर करेंगे देखते हैं हमें इंशाल्लाह। भी वो क्लाइंट्स क्या करते हैं जो मुझसे बात कर रही है, तो फाइनल हो जाए फिर बताते हैं। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी तो सेशन हम ये अभी बस क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।